एक्शन ट्रेडिंग। नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की ऑडियो बुक मेरे यानी गौहर परवेज के साथ। बिगनर्स के लिए ये एक सिंपल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बुक जो इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल है। प्रीफेस। स्टॉक मार्केट पर 3 किताबें लिखने के बाद मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पर एक और नहीं लिखूंगा, लेकिन अपने 2 दोस्तों के साथ 25 दिनों के पूरे भारत के रोड ट्रिप के बाद मैं सोचने लगा, मैं प्राइस एक्शन पर किताब लिखना भला कैसे मिस कर सकता हूँ। बेचैनी की भावना और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी ने तुरंत मुझे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पर लिखने के लिए मजबूर किया। मैं उसी गेस्ट हाउस में फिर से गया जिसके बारे में मैंने हाउ टू मेक मनी विद ब्रेकआउट ट्रेडिंग किताब में लिखा था, और मैं वहीं कुछ दिन रुका भी। उन दिनों मेरे दिमाग में चीजें और साफ हो गईं और मैंने इस किताब को पूरा किया। ये किताब एक्सप्लेन करती है रॉ प्राइस एक्शन का यूज करके कैसे सक्सेसफुल ट्रेड किया जाए। प्राइस और वॉल्यूम की डिटेल समझकर और ट्रेडिंग की गाइडलाइंस अपनाकर ट्रेडिंग को कैसे फुल टाइम करियर के रूप में लिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने टेक्निकल इंडिकेटर्स को क्यों छोड़ा? मैं शुरू में ही एक बात साफ बता दूं, ये किताब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को बढ़ाकर बताने और इंडिकेटर्स को गलत बताने के लिए नहीं है। ये सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में गहराई से बताने के लिए है, जो प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप को देखने की यूनिक सोच है और कैसे हम इससे फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। मेरा एक अजीब दोस्त था जिसने अपनी जिंदगी और प्रोफेशन में बहुत ही अनोखी चीजें की हैं। वो इंजीनियरिंग में मेरे साथ पढ़ता था और मैं उसे 20 सालों से जानता था। वो कॉलेज के दिनों में लापता हो जाता था, हॉलीडेज पर काम करता था और फिर अचानक एग्जाम से एक दिन पहले वापस आकर अपने खास दोस्तों से उस सब्जेक्ट के नोट्स की भीख मांगता था, लेकिन फिर भी वो सभी सेमेस्टर्स में टॉप 5 में जगह बना लेता था। मेरे दोस्त ने कैंपस प्लेसमेंट के सभी ऑफर छोड़ दिए। इसके बजाय उसने पूरे भारत में ट्रेन से घूमने का फैसला किया। अगले 3 महीने उसने भारत के कई शहरों की यात्रा की। जब वो वापस आया तब हम में से लगभग सभी ने किसी न किसी आईटी कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया था। ट्रेडिशनल रूट से शुरू करने के बजाय उसने बीपीओ के कॉल सेंटर से जॉब करना शुरू किया। 2 साल तक बीपीओ कॉल सेंटर में रात की नौकरी के बाद वो आईटी में जॉब करना चाहता था। हम सब ने उसे मना किया और कहा कि आईटी में जाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, पर उसे एक छोटी आईटी कंपनी में डेवलपमेंट का रोल मिल गया। शुरू में उसे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उसने इंटरव्यू पैनल से 2 सवाल पूछे थे। मुझे कॉल सेंटर का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे अपनी प्रेजेंट कंपनी में एम्प्लॉई ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। इसलिए आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि मैं यहां आईटी में परफॉर्म नहीं करूंगा? 2, आप मेरी एबिलिटी का टेस्ट लिए बिना मेरा कैंडिडेचर कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? प्लीज मुझे 3 महीने की अपॉर्चुनिटी दें और मुझे कोई सैलरी नहीं दें। अगर मैं 3 महीने के भीतर अच्छा परफॉर्म करता हूं तो मुझे ऑफर दें, वरना मुझे बाहर निकाल दें। फिर उसे ये काम मिल गया। उसने वहां 3 साल काम किया और जब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार था तो कंपनी ने उसे बनाए रखने के लिए कुछ प्रेजेंट ऑफर किया। उसने ऑफर मना कर दिया और आगे बढ़ गया। वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है, लेकिन वो अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। वो कई सालों से यूएस में है और हमारे दोस्तों के बीच ये रूमर है कि वो यूएस गवर्नमेंट के लिए सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जैसा उसने इंडिया में आधार प्रोजेक्ट पर काम किया था। उसकी क्वालिटीज को समझाने के लिए मुझे एक अलग किताब लिखनी पड़ेगी, लेकिन शॉर्ट में उसने अपने पूरी लाइफ में एडवेंचरस और क्रेजी फैसले लिए। उन सभी में सिर्फ एक को छोड़कर वो विनर बनकर निकला। वो एक्सेप्शन शेयर बाजार का है और उस घटना ने मुझे ट्रेडिंग को सीरियस नोट पर लेने के लिए कहा। तब तक मैं मार्केट के लिए सीरियस नहीं था। मैं कुछ शेयर खरीदता और बेचता था, लेकिन ट्रेडिंग को करियर के रूप में अपनाने के लिए कभी नहीं सोचा था। इमेज। वाई अपर सर्किट टूटे। वो मंडे 18 मई 2009 था। उस दिन निफ्टी ने अपर सर्किट छुआ था। ये सभी ट्रेडर्स के लिए इम्पॉर्टेंट और शॉकिंग एक्सपीरियंस था। सभी ट्रेडर्स को बड़ी गिरावट की उम्मीद थी,
क्योंकि सबने सोचा था कि किसी भी ग्रुप को यूनियन इलेक्शंस में मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन सैटरडे को इलेक्शन रिजल्ट आए और यूपीए ग्रुप को मेजॉरिटी मिली। लोगों को आगे और गिरावट की उम्मीद थी क्योंकि बहुत लोगों ने सोचा कि यूपीए ग्रुप मार्केट के लिए फेवरेबल नहीं है। ये मेरा व्यू नहीं था, लेकिन यही मैंने उन दिनों बहुत से लोगों से सुना था। मेरे दोस्त का भी ये ऐसे ही व्यू था और इसलिए उसने निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन में मार्जिन का यूज करते हुए बहुत खरीदारी की। उन दिनों मार्जिन रूल बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन 18 मई 2009 को सबको सरप्राइज करते हुए निफ्टी पॉजिटिव खुला और कुछ ही मिनटों में वो अपर सर्किट पर पहुंच गया। मुझे इस मूव पर विश्वास नहीं हो रहा था और मैं ये गिन ही नहीं पाया कि मेरे दोस्त ने कितना पैसा खो दिया था। मैंने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक हफ्ते के बाद वो दिखाई दिया और उसने बताया कि उसने कितना पैसा गंवाया था। ये एक बड़ा अमाउंट था, कम से कम उन लोगों के लिए जिन लोगों ने सिर्फ 3-4 साल पहले अपना करियर शुरू किया था। तब तक मैं एक हैप्पी सोल था। मैं अपने ऑफिस में ठीक ठाक काम करता था, जिम में इंटेंस सेशन पसंद करता था और हर वीकेंड पर ट्रिप्स इंजॉय करता था। लेकिन इस इंसिडेंट ने मुझे परेशान कर दिया और मेरे दिल में पहली बार एक बड़ा सवाल उठा। मैं सीरियस हो गया और साथ ही मार्केट के बारे में बहुत क्यूरियस भी हो गया। मैं ना ही इंडिकेटर से नफरत करता हूं और ना ही उसके अगेंस्ट हूं। मुझे डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में उनके बिहेवियर की स्टडी करने में मजा आता है। इंडिकेटर्स बिजनेस की मदद करते हैं क्योंकि वो उनकी ट्रेडिंग में कुछ डिसिप्लिन लाते हैं, वरना वो 1-2 दिनों में ही बहुत सारा ट्रेड कर लेंगे और अपना सारा पैसा खो देंगे। इसके अलावा ये एल्गो ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ रूल बनाने में मदद करते हैं, लेकिन मैं उनमें से किसी को भी अपनी ट्रेडिंग में यूज नहीं करता हूं क्योंकि वो मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैंने कुछ सक्सेसफुल ट्रेडर्स को देखा है जो सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का यूज करते हैं। मैंने कुछ ऐसे सक्सेसफुल ट्रेडर को भी देखा है जो अपनी ट्रेडिंग सिस्टम में सिर्फ 1-2 इंडिकेटर का यूज करते हैं, लेकिन मैंने ऐसे कई ट्रेडर्स को देखा है जो नेकेड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से भी और इंडिकेटर से भी मनी लॉस कर देते हैं। इसलिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग और इंडिकेटर्स पर डिबेट करना समय की बर्बादी है। मेरा सजेशन है, जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है उसे चुन लें। ये किताब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानकारी देती है और उस रूट पर चलने की समझ देती है। आगे वो रीजंस दिए गए हैं जिनकी वजह से मैंने टेक्निकल इंडिकेटर्स छोड़ दिए। इंडिकेटर्स प्राइस डिक्टेट नहीं करते। मुझे लोगों के लिए दुख होता है जब वो इस तरह के क्वेश्चंस लेकर आते हैं। XYZ स्टॉक के लिए RSI 30 पर है, जो एक ओवरसोल्ड जोन है। क्या मैं अब XYZ खरीद सकता हूं? या ABCD स्टॉक 200 DMA पर है, इसलिए ये गिर नहीं सकता है। क्या मैं कुछ पोजीशन इकट्ठा कर सकता हूं? उनका सवाल ही उनकी अनडिसाइडनेस की ओर इशारा करता है। वो प्राइस के शॉर्ट शॉर्ट मूवमेंट को बताते हैं, चाहे कारण RSI या DMA लेवल्स हो, लेकिन वो उसे खरीदने के लिए सजेशंस भी ढूंढ रहे हैं, जो कि अजीब है ना? प्राइस ना जानता है ना परवाह करता है कि RSI ओवरसोल्ड जोन में है या 200 DMA के करीब है। ये एफिशिएंटली वही करता है जो उसे करना हो। अगर प्राइस और गिरता है तो RSI लेवल भी और गिर जाएगा, लेकिन धीमे रेट से, और मूविंग एवरेज धीरे से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेट करता है और प्राइस डिक्टेट नहीं करता है। प्राइस में किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन इंडिकेटर में भी बदलाव लाएगा। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इमेज 1.1, फेल्योर ऑफ RSI, ओवरबॉट इन बजाज फाइनेंस। अगर आप इमेज 1.1 देखें तो जब RSI 30 लेवल, जो ओवरसोल्ड जोन है, पर पहुंचे तो सीधा खरीद लेना बहुत खराब आइडिया है। ये ट्रेड सिग्निफिकेंट लॉस के साथ खत्म होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि प्राइस RSI मूवमेंट के बारे में कुछ नहीं जानता है और न ही केयर करता है। इमेज 1.2, फेल्योर ऑफ 200 DMA सपोर्ट कॉन्सेप्ट इन USD CAT।
अगर आप इमेज 1.2 देखें तो जब प्राइस 200 DMA पहुंचे तो स्ट्रेट वे बाइंग बहुत खराब आइडिया है और फिर से ये ट्रेड सिग्निफिकेंट लॉस में खत्म होगा। मैं कई इंडिकेटर्स के साथ ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन मैं इस किताब को बोरिंग नहीं बनाना चाहता। मैं एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स बताने के लिए इसे सिंपल लेकिन इफेक्टिव रखना चाहता हूँ। की बात यह है कि इंडिकेटर प्राइस डिक्टेट नहीं करते हैं और कभी भी इसलिए ट्रेड ना करें क्योंकि इंडिकेटर कुछ लेवल दिखाते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी इंडिकेटर को इग्नोर करती है। जो पास्ट में हुआ है वो फिर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट ह्यूमन द्वारा चलाए जाते हैं और ह्यूमन नेचर कभी चेंज नहीं होता है। जैसी लिवर मोर, ट्रेड शुरू करने से पहले जब भी मैंने पेशेंस के साथ मार्केट को पिवोटल पॉइंट पर आने का वेट किया, तब मैंने हमेशा ऑपरेशंस में मनी बनाया है। जैसी लिवर मोर, ये वर्ल्ड फेमस ट्रेडर जैसी लिवर मोर के दो कोट्स हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस बताते हैं। इसलिए ये साइकोलॉजी प्राइस में कुछ लेवल में दिखती है। उन्हें पिवोटल पॉइंट्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स वगैरह नामों से जाना जा सकता है। लाखों लोग स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड करते हैं और उनके कंबाइंड एक्शन से प्राइस का मूवमेंट अप और डाउन होता है। इसलिए किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में कुछ पिवोटल पॉइंट्स होते हैं और उनके आसपास ट्रेड करने की प्लानिंग से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड होता है। इमेज 1.3 की लेवल कॉन्सेप्ट इन BEL। अगर आप 1.3 इमेज को देखें तो प्राइस लेवल ने क्रिटिकल लेवल की तरह एक्ट किया है। जब भी सेलर्स इस लेवल को तोड़ने के लिए प्राइस को पुश करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बायर ने एक्यूमुलेट करके फॉल को रोक देता है, इसलिए एक हायर प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये लेवल फ्यूचर में क्रूशियल रोल निभाएगा, जब तक 75 पर बिग बायर अपना व्यू नहीं बदलता। लेकिन सभी इंडिकेटर्स इन क्रूशियल प्राइस लेवल की पहचान करने में फेल हो जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने इंडिकेटर में RSI, बोलिंगर बैंड्स, स्टोकेस्टिक्स या कोई और क्रेजी कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं। वो इन क्रूशियल लेवल्स की पहचान करने में फेल हो जाते हैं और इससे हम बहुत सी गुड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज खो बैठते हैं। क्या आप एग्री करते हैं? इंडिकेटर नेचर में पीछे रहते हैं। आप कोई भी इंडिकेटर चुन सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी प्राइस के साथ ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट नहीं करता है। वहां हमेशा प्राइस के कंपैरिजन में कुछ देरी होगी। ये कॉमन सेंस है क्योंकि ज्यादातर इंडिकेटर प्राइस से ही मिलते हैं। इसे समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा। आप में से ज्यादातर जानते हैं कि ट्रेडर्स कम्युनिटी में EMA क्रॉसओवर एक प्राइमरी और पॉपुलर ट्रेडिंग सिस्टम है। एक सिंपल सिस्टम 10 EMA और 50 EMA का कॉम्बिनेशन है। जब डाउन साइड से 10 EMA 50 EMA को पार करता है तब बाई सिग्नल जनरेट होता है, और जब वही 10 EMA 50 EMA को अपसाइड से पार करता है तब सेल सिग्नल जनरेट होता है। इमेज 1.4 एंट्री बेस्ड ऑन MA क्रॉसओवर। यदि आप इमेज 1.4 को देखते हैं तो 20 मई को 10 EMA डाउनसाइड से 50 EMA पार कर गया। 22 मई को 121.53 पर एक एंट्री आती है क्रॉसओवर कैंडल से हाई पर, तो ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के हिसाब से लेट एंट्री है। इमेज 1.5 एंट्री बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। यदि आप इमेज 1.5 देखते हैं तो इसमें 19 मई को एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का डिसिसिव ब्रेकआउट था और एंट्री 20 मई को 120.7 के लेवल पर हो सकती थी। हम MA क्रॉसओवर ट्रेडिंग सिस्टम की तुलना में दो दिन पहले ट्रेड में होते। इस स्टेज पर यह आर्ग्यू किया जा सकता है कि यदि हम MA क्रॉसओवर सिस्टम में MA ड्यूरेशन को कम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए 10 EMA से 5 EMA तक, तब ये अर्ली स्टेज में एंट्री जनरेट कर सकता है। मैं इससे अग्री करता हूं, लेकिन मेरा एक रॉ क्वेश्चन है, क्या ट्रेड करने वाले हर स्टॉक या इंडेक्स के लिए इसे एडजस्ट करते रहना एक अच्छा आइडिया है, या प्राइस पर फोकस करना बेहतर है जो सिंपल है फिर भी पावरफुल है और शानदार ट्रेडिंग रिजल्ट्स देता है? इंडिकेटर्स ट्रेडिंग को और मुश्किल बनाते हैं।
मार्केट में कितने इंडिकेटर हैं, 1000, 5000 या शायद 10,000। इस नंबर का कोई एंड नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ट्रेडिंग व्यू, चार्ट लिंक या गो चार्टिंग का यूज करके इंडिकेटर डेवलप कर सकता है। इमेज, प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर। अगला क्वेश्चन ये है कि इतनी बड़ी इंडिकेटर की लिस्ट में से कौन सा इंडिकेटर चुना जाए। अगर कोई ट्रेडर 2-3 इंडिकेटर चुनता है तो कभी भी अलग अलग रीडिंग दे सकती है ना। अब मुझे गलत मत समझिए, मैं इंडिकेटर्स की वैल्यू कम नहीं करना चाहता। मुझे चिंता इस बात की है कि ये लोग चार्ट पर 4-5 इंडिकेटर डालते हैं, कुछ क्रॉसओवर्स और ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिनेरियोज का वेट करते हैं और फिर ट्रिगर दबा देते हैं। आखिर में उन्हें यह भी मालूम नहीं होता है कि वो किस इंस्ट्रूमेंट से बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं। कुछ समय बाद इन ट्रेडर्स को बुरा लगता है जब उन्हें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो अपने ट्रेडिंग सिस्टम में एक और इंडिकेटर जोड़ना शुरू करते हैं, ये सोचकर कि ये प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। ये एक विशियस साइकिल है। लॉजिकल पर्सपेक्टिव से मुझे प्राइस एक्शन ट्रेडर और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर में खास डिफरेंस नहीं दिखता है, क्योंकि दोनों ही प्राइस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं लेकिन अलग अप्रोच से काम करते हैं। रुकिए, मैं समझाता हूं। एक प्राइस एक्शन ट्रेडर प्राइस को डायरेक्टली स्टडी करता है। ज्यादातर इंडिकेटर प्राइस से ड्राइव होते हैं। एक इंडिकेटर ट्रेडर भी प्राइस स्टडी करता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट तरीके से करता है। क्या आपको नहीं लगता कि प्राइस को डायरेक्ट पढ़ना बेहतर है, बजाय इसके कि उसी प्राइस को कई इंडिकेटर डालकर जांचें? मैं चॉइस आप पर छोड़ता हूं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक क्विक इंट्रो। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन का मतलब है किसी मार्केट में दिए गए स्टॉक या इंडेक्स की कीमत में उतार चढ़ाव। कोई भी ट्रेडिंग दिन में खुलने से बंद होने तक प्राइस बदलती रहती है। ये वेरिएशन और कुछ नहीं, बस प्राइस एक्शन है। इमेज 2.1, अ सिंपल एग्जांपल फॉर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी। इमेज 2.1 में 24 दिसंबर 2020 का बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, और कीमत 30,007 नीचे से 30,546 ऊपर के बीच वेरी कर रही है। ये वेरिएशन प्राइस एक्शन के अलावा और कुछ नहीं है। व्हाट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग? प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें एक ट्रेडर चार्ट पढ़ता है और कीमत के मूवमेंट के आधार पर खुद के ट्रेडिंग फैसले लेता है, बजाय इसके कि वो टेक्निकल इंडिकेटर्स या किसी और फैक्टर पर भरोसा करे। सीधे शब्दों में, ट्रेडिंग से जुड़े फैसले लेने के लिए ट्रेडर सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम का यूज करते हैं। इमेज 2.2, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एग्जांपल इन निफ्टी। अगर इमेज 2.2 को देखते हैं तो ट्रेडिंग के फैसले लेने के लिए केवल एक प्राइस चार्ट का यूज किया गया है। ट्रेड का प्लान बनाने के लिए ट्रेडर प्राइस चार्ट के साथ वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अलावा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग के 3 जरूरी पार्ट्स हैं इसी ऑर्डर में। 1, प्राइस, ये सभी अपॉर्चुनिटीज का एडवर्टाइज करता है। 2, टाइम, ये सभी अवसरों को रेगुलेट करता है। 3, वॉल्यूम, ये सभी दिखाई गई अपॉर्चुनिटीज की कामयाबी या फेलियर को नापता है। वॉल्यूम जरूरी है क्योंकि 80% ट्रेडिंग वॉल्यूम 20% बड़े प्लेयर ही देते हैं, इसलिए प्राइस और वॉल्यूम की जानकारी पोजिशनल ट्रेडिंग, BTST ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए काफी है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग या स्काल्पिंग में इंटरेस्ट है तो टाइम पैरामीटर में सक्सेस हासिल करनी होगी। मैंने इस टॉपिक को चैप्टर 5 में डिटेल में शामिल किया है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को कैसे यूज करें? ट्रेडर्स को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का सही आइडिया पाने के लिए कुछ समय देने की जरूरत है, क्योंकि ये और इंडिकेटर्स जैसे किसी भी तरह का बाई और सेल सिग्नल नहीं क्रिएट करता है। इसमें 3 स्टेप्स शामिल हैं। 1, ड्रॉइंग ट्रेंड लाइंस, पिवट पॉइंट्स, सप्लाई डिमांड जोन्स, राउंड नंबर्स वगैरह में से किसी एक मेथड का यूज करके की प्राइस लेवल को पहचानें। 2,
बिगिनर्स के लिए की प्राइस लेवल पर कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से या एक्सपर्ट के लिए रॉ प्राइस एक्शन के आइडिया के हिसाब से एंट्री का प्लान बनाना। 3. स्टेप 2 की तरह की प्राइस लेवल पर कैंडल स्टिक पैटर्न या रॉ प्राइस एक्शन के हिसाब से एग्जिट प्लान करना। इमेज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जब एक शूटर के लिए लेफ्ट राइट बन गया। कैरोली टेकेक्स बुडापेस्ट में पैदा हुआ था और हंगरी की आर्मी में काम कर रहा था। बचपन से ही उसका इंटरेस्ट केवल एक ही स्पोर्ट शूटिंग में था। लाइफ में उसका मेन इंटरेस्ट अपने देश के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना था। 1936 तक वो एक वर्ल्ड क्लास शूटर बन गया था, लेकिन उसे 1936 के समर ओलंपिक्स में भाग लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो एक सार्जेंट था और सिर्फ कमीशन्ड ऑफिसर्स को ओलंपिक्स गेम्स में कॉम्पीट करने की परमिशन थी। टेकेक्स ने उम्मीद नहीं खोई और वो अपने पसंदीदा खेल की प्रैक्टिस करता रहा। उसकी किस्मत से 1936 के समर ओलंपिक्स के बाद हंगरी की आर्मी ने नॉन ऑफिसर्स पर लगे इस रिस्ट्रिक्शन को हटा लिया और इसलिए वो 1940 के टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकता था। इसलिए उन्होंने इस बार और भी मेहनत से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वो हर दिन कई घंटे अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस में लगाता था, लेकिन लाइफ ने उसके लिए कुछ और प्लान किया हुआ था। 1938 में एक मिलिट्री ड्रिल के दौरान एक ग्रेनेड उसके हाथ में फट गया और उसने अपनी आधी फोर आर्म खो दी। क्या आप अब उसके हालात के बारे में सोच सकते हैं? उसके सारे सपने टूट गए। वो एक महीने से ज्यादा समय हॉस्पिटल में था। जब वो वापस घर आया तब भी उसने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। उसने सब कुछ शुरुआत से किया, लेकिन इस बार अपने लेफ्ट हाथ का यूज किया। खाने और सोने के अलावा उसने अपना ज्यादातर समय प्रैक्टिस में बिताया। अपने लेफ्ट हैंड से कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद वो 1939 में हंगेरियन नेशनल चैंपियनशिप में उतरा। बाकी सभी शूटर्स ने मान लिया कि वो कंपटीशन देखने आया है और अपनी सिंपैथी दिखाई, लेकिन उसने कहा, मैं यहाँ आपकी सिंपैथी के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आप सभी के साथ कॉम्पीट करने के लिए आया हूँ। उसने मुकाबले में पहली जगह बनाई और सबको सरप्राइज करते हुए वो अगले ओलंपिक्स के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो गया। एक बार फिर लाइफ में उसके लिए और प्लान थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के कारण 1940 और 1944 दोनों ओलंपिक्स रद्द हो गए थे। 1944 में उसकी आयु 34 वर्ष थी। ज्यादातर ओलंपिक्स खिलाड़ियों के लिए रिटायर होने की उम्र 30 होती है, वो आज भी है। हैरानी की बात यह है कि टेकेक्स ने अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी और एक बार फिर वो 1948 के लंदन ओलंपिक के लिए एलिजिबल था। उस समय वो 38 साल का था। सालों के दौरान कार्लोस एंड्रिक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था और उसने टेकेक्स से पूछा कि वो यहां लंदन में क्यों है। इस क्वेश्चन के लिए टेकेक्स का जवाब सीधा और साफ था, मैं यहां सीखने के लिए हूं। उसके आगे जो हुआ उसे इतिहास की किताबों में सुनहरे अल्फाज में लिखा जाना चाहिए। टेकेक्स ने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि उसने 10 पॉइंट से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बेहतर किया। टेकेक्स 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में फिर से दिखाई दिया और 42 साल की उम्र में उसने एक बार फिर गोल्ड मेडल जीता। कार्लोस जो कि उसका कॉम्पिटिटर था और पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था, उसने उसकी प्रशंसा की और कहा, तुमने बहुत कुछ सीखा है, अब ये मुझे सिखाने का समय है। अब उन सभी ट्रेडर्स के लिए जिन्हें ट्रेडिंग में नुकसान हुआ है, उनके लिए इस स्टोरी से दो सीख मिलती हैं। एक, जीवन में फेलियर नाम की कोई चीज नहीं होती। मुश्किल हालात हमारे करैक्टर का टेस्ट लेते हैं, तो अगर आपने ट्रेडिंग में पैसा खो दिया है तो उसे एक्सेप्ट कर लें। अगर आप इसे नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो आपका मन सीखने के लिए खुला नहीं होगा। नुकसान खेल का हिस्सा है और हमें बिजनेस में दोबारा वही गलतियां नहीं करनी चाहिए। दो, आपने पैसा खो दिया है क्योंकि आप एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ परसिस्टेंट एफर्ट दिखाने में फेल हुए हैं। 10 अलग ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट की बेसिक समझ ट्रेडिंग में मनी नहीं लाती है, लेकिन एक ट्रेडिंग सिस्टम की गहरी समझ के साथ सही रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में सक्सेस दे सकता है। ये दो बातें हमेशा याद रखें। आपको रोजगार के लिए सिर्फ एक पैटर्न की जरूरत है। लिंडा रेश्के।
मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 10,000 किक जानता है, लेकिन मुझे उस आदमी से डर लगता है जो एक किक जानता है लेकिन 10,000 बार उसकी प्रैक्टिस करता है। ब्रूस ली। कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कम मत समझो। जैसा कि पहले बताया गया है, दो चीजें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में मेन रोल निभाती हैं। एक, की प्राइस लेवल्स की पहचान। दो, प्राइस को कंफर्म करना, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न से या प्राइस एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन से। या की प्राइस लेवल्स कई तरीकों से पहचाने जा सकते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट या रेजिस्टेंस से ट्रेंड लाइन खींचते हुए पहचानना सबसे इफेक्टिव तरीका है। कई ट्रेडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट को बेसिक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट मानते हैं और इसलिए वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस की तलाश करते हैं। लेकिन सादी चीजें लाइफ के साथ साथ ट्रेडिंग में भी कमाल कर सकती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुले दिमाग से इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। मैं आपसे वादा करता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आपके आइडियाज और अंडरस्टैंडिंग हमेशा के लिए बदल जाएंगे। एक ट्रेडर जो इंडिकेटर का यूज करता है, उसके पास ट्रेड को प्लान करने का इंडिकेटर का रेफरेंस लेवल होगा। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट होगा, जैसे MA, क्रॉसओवर, बॉलिंगर, बैंड ब्रेकआउट या ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिनेरियो। हालांकि प्राइस एक्शन ट्रेडर के पास ये लग्जरी नहीं होती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम होता है। ट्रेड सेटअप में कंफर्म करने के लिए केवल वॉल्यूम का यूज किया जा सकता है, इसलिए एक प्राइस एक्शन ट्रेडर को अपना ट्रेड प्लान करने के लिए पूरी तरह से प्राइस पर डिपेंड करना पड़ता है। ये प्राइस एक्शन ट्रेडर को एक ड्रॉबैक की तरह लगता है, लेकिन मेरी ओपिनियन में ये उनके लिए वरदान है, क्योंकि उन्हें प्राइस गहराई से स्टडी करना पड़ता है, जहां सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रूशियल रोल निभाते हैं। ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करें? ट्रेंड लाइन एक चार्ट पर ड्रॉ की गई एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो दो या दो से ज्यादा प्राइस पीक को जोड़ती है, जो स्क्रिप्ट के ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट को दिखाती है और किसी को भी एक्सीलेंट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज दिखाती है। आगे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के कुछ फायदेमंद रेफरेंसेस दिए गए हैं। एक, ज्यादा संख्या में पीक्स कम से कम दो जरूरी को जोड़ने की कोशिश करें। दो, ट्रेंड लाइन का स्लोप 45 डिग्री से कम होना चाहिए, यह एक हेल्दी ट्रेंड की निशानी है। तीन, प्राइस को ट्रेंड लाइन के मुताबिक होनी चाहिए। इमेज 3.1, अ वैलिड ट्रेंड लाइन एग्जाम्पल इन TCS। ये इमेज वैलिड ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल दिखाती है। ये लगभग 8 प्राइस पीक्स कनेक्ट करती है। ट्रेंड लाइन का स्लोप WRT इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन 45 डिग्री से कम है और प्राइस शुरू से आखिर तक ट्रेंड लाइन के मुताबिक है। इमेज 3.2, एन इनवैलिड ट्रेंड लाइन एग्जाम्पल इन USD/JPY। इमेज 3.2 में खींची गई ट्रेंड लाइन इनवैलिड है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के मुताबिक नहीं है। ट्रेंड लाइन की पावर कम हो जाती है जब प्राइस बीच में इसको छोड़ दे। हमेशा बहुत से पीक को जोड़ती हुई एक साफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें। इमेज 3.3, एन इनवैलिड ट्रेंड लाइन एग्जाम्पल इन USD/INR। एक बार फिर इमेज 3.3 में खींची गई ट्रेंड लाइन इनवैलिड है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का स्लोप 45 डिग्री से ज्यादा है। इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन की तुलना में यह हेल्दी ट्रेंड का साइन नहीं है, इसलिए इस तरह की ट्रेंड लाइन को इग्नोर करना बेहतर है। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जिस पर डिमांड इतनी मजबूत होती है कि कीमतों में और गिरावट को रोके। इमेज 3.4, अ सपोर्ट ट्रेंड लाइन एग्जाम्पल इन Tesla INC। ये इमेज सपोर्ट ट्रेंड लाइन का एक एग्जाम्पल दिखाती है। लॉजिक बिल्कुल सीधा है। लोगों को उनका एंट्री या एग्जिट लेवल याद रहता है, चाहे खुशी या दुख के कारण। प्रॉफिट होने पर खुशी हुई होगी और पैसा गंवाने पर दुख हुआ होगा। इसलिए जब भी कीमत सपोर्ट की ओर गिरती है और सस्ती हो जाती है, तो बायर स्टॉक जमा करने की तरफ झुकते हैं।
जब तक प्राइस सपोर्ट लेवल तक पहुंचती है तो ये साफ हो जाता है कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी और प्राइस को सपोर्ट से नीचे गिरने से रोकेगी। इमेज 3.4 में जब भी प्राइस 58 से 59 के लेवल तक पहुंचता है तो बायर स्टॉक जमा करते हैं और इसलिए ये इस लेवल से उछल जाता है। इमेज 3.5 अ सपोर्ट बॉक्स एग्जांपल इन कैनरा बैंक। बाजार डायनामिक है और हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एक ही प्राइस लेवल हर बार सपोर्ट का काम करेगा। कभी कभी प्राइस में एक छोटा रेंज सपोर्ट का काम करता है जिसे सपोर्ट बॉक्स कहा जा सकता है। इमेज 3.5 में 130 से 160 के बीच के प्राइस लेवल ने सपोर्ट बॉक्स का काम किया है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक प्राइस लेवल है जिस पर सेलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि प्राइस को और बढ़ने से रोके। इमेज 3.6 अ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एग्जांपल इन इंटेल कॉर्प। दिखाई जा रही इमेज रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का एक एग्जांपल दिखाती है। प्राइस लेवल 53 ने एक रेजिस्टेंस का काम किया। जैसे जैसे प्राइस रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ेगा सेलर ज्यादा एक्टिव होंगे और बायर का खरीदने की तरफ कम झुकाव होगा। जब तक प्राइस रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचेगा तब तक सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाएगी और प्राइस को रेजिस्टेंस से ऊपर जाने से रोकती है। इमेज 3.7 अ रेजिस्टेंस बॉक्स एग्जांपल इन कैनरा बैंक। कई बार एक सपोर्ट बॉक्स की तरह प्राइस लेवल का रेंज रेजिस्टेंस का काम करता है जिसे रेजिस्टेंस बॉक्स की तरह पहचाना जा सकता है। इमेज 3.7 में प्राइस रेंज 290 से 300 ने रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वेरिएशंस। मार्केट में ऐसा कोई नियम नहीं है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। कई बार ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस छोटे एंगल के साथ आती हैं, ये भी एक्सेप्टेबल है। इमेज 3.8 एंगल्ड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एग्जांपल इन NVIDIA कॉर्प। ये इमेज एंगल्ड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का एग्जांपल दिखाती है। जब भी प्राइस एंगल्ड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की तरफ उछलता है सेलर्स आ जाते हैं और उनके फोर्स से प्राइस नीचे चला जाता है। इमेज 3.9 एंगल्ड सपोर्ट ट्रेंड लाइन एग्जांपल इन IMPING INC। ये इमेज एंगल्ड सपोर्ट ट्रेंड लाइन का एग्जांपल दिखाती है। जब प्राइस एंगल्ड सपोर्ट ट्रेंड लाइन की तरफ करेक्ट होता है बायर्स खरीदने आ जाते हैं और उनके फोर्स से प्राइस ऊपर की तरफ आ जाता है। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि इसका वैलिड एक्सप्लेनेशन दूं कि क्यों और कैसे ये एंगल्ड ट्रेंड लाइंस काम करती हैं। हालांकि मैंने देखा है कि ये मार्केट में बहुत अच्छा काम करती हैं, इसलिए मैंने उनका अपने ट्रेड में बहुत इस्तेमाल किया है। फैटल गलतियां जिससे हर ट्रेडर को बचना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि क्यों कई ट्रेडर्स को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं? क्या आप कोई रीजन सोच सकते हैं कि क्यों कई ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स को नहीं मानते हैं या यूज करते हैं? ये एक आसान रीजन की तरफ पॉइंट करता है। वो मानते हैं कि एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमेशा गिरावट को रोकती है और एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हमेशा उछाल को रोकती है। इसके अलावा वो ये समझने में फेल हो जाते हैं कि प्राइस कब सपोर्ट लाइन का सपोर्ट लेगा या सपोर्ट लाइन को तोड़ेगा। रेजिस्टेंस लाइन के साथ भी यही एक्सप्लेनेशन होता है। क्या आप कोई बेहतर रीजन सोच सकते हैं? मुझे यकीन है कि और कोई दूसरा रीजन नहीं है। क्या होगा यदि आप ये समझने की एबिलिटी पैदा कर लें कि क्या प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा या नहीं, और क्या प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लेगा या नहीं? तब आप ज्यादातर समय प्रॉफिट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, है ना? चैप्टर 4 और चैप्टर 5 इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा होगा अगर आप इन लाइंस की गलती ना हो सकने की प्राइमरी सोच से बाहर आ जाएं। एक सपोर्ट लेवल हर बार सपोर्ट का काम नहीं कर सकता है और एक रेजिस्टेंस लेवल हर बार रेजिस्टेंस का काम नहीं कर सकता है। तब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज क्यों करें?
मुझे यकीन है कि ये क्वेश्चन अब आपके दिमाग में आ गया होगा, लेकिन जवाब आसान है। जब प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने में फेल हो जाता है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एक बड़ा मूव लेता है, और अगर हम ये ट्रेड लेते हैं तो ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ाता है। इमेज 3.10, ब्रेक ऑफ सपोर्ट लाइन रिजल्टेड इन अ बिग मूव डाउनसाइड इन LT। ये इमेज सपोर्ट लाइन के फेलियर को दिखाती है। इस चार्ट में एक अच्छी सपोर्ट लाइन है, लेकिन जब प्राइस 25 और 26 फरवरी को सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर पहुंचा, बायस के ना होने से ये सपोर्ट लेने में फेल हो गया, इसलिए इसने डाउनसाइड का एक बड़ा मूव लिया। क्या होगा अगर आप इसे पहले से जान जाएं और सपोर्ट ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद बड़े ट्रेड के लिए इंतजार करने के बजाय शॉर्ट ट्रेड का चुनाव करें? आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा, है ना? यही कारण है कि हमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड लाइंस की जरूरत है। इमेज 3.11, ब्रेक ऑफ रेजिस्टेंस लाइन रिजल्टेड इन अ बिग मूव अपसाइड इन CEAT LTD, यानी CEAT लिमिटेड। इमेज 3.11 रेजिस्टेंस लाइन के फेलियर का एग्जांपल है। इस चार्ट में अच्छी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, लेकिन जब प्राइस ने 14 मार्च को रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, उसकी वजह से अपसाइड का एक बड़ा मूव हुआ। फिर से क्या होगा यदि आप पहले जान जाएं कि प्राइस इस बार रेजिस्टेंस नहीं लेगा? आप सही डायरेक्शन में बेहतर एंट्री ले सकते हैं, है ना? प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की एक्साइटिंग दुनिया में आपका स्वागत है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का असली एसेंस अगले चैप्टर में शुरू होता है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ और समझ लें, क्योंकि यही इसका कोर फाउंडेशन है। आपकी ट्रेडिंग बढ़ाने के लिए 10 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में दो चीजें मेन हैं। एक, की प्राइस लेवल की पहचान करना, और दो, प्राइस को कंफर्म या रिजेक्ट करना किसी भी प्रॉफिट वाले ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज की तलाश करने के लिए। पिछले चैप्टर में हमने ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके की प्राइस लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के कई पहलुओं को शामिल किया था। ये चैप्टर प्राइस का की प्राइस लेवल पर कंफर्मेशन या रिजेक्शन में इस्तेमाल होने वाले 10 पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर फोकस करता है। प्लीज ध्यान दें, हमें इन पैटर्न्स का इस्तेमाल इंडिपेंडेंटली नहीं करना चाहिए। हमें इन पैटर्न्स को केवल की प्राइस लेवल्स पर ही चेक करना होगा। टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में हजारों कैंडलस्टिक पैटर्न्स मौजूद हैं। क्या आपको लगता है कि सभी को पढ़ना और याद रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, है ना? फिर उन्हें शॉर्टलिस्ट करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? कैंडलस्टिक पैटर्न्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए 2 पैरामीटर्स यूज करना बेहतर है। 1, पैटर्न का असर। 2, पैटर्न का बार बार होना। क्योंकि अगर कैंडलस्टिक पैटर्न का असर कम होता है तो ये काम का नहीं है। इसी तरह अगर एक कैंडलस्टिक पैटर्न पावरफुल है लेकिन ये शायद ही कभी होता है, तो फिर ये किसी काम का नहीं है, है क्या? इन 2 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए नीचे कुछ पावरफुल पैटर्न्स हैं जो सभी टाइम फ्रेम में बहुत बार होते हैं। बुलिश इनगल्फिंग। इनगल्फिंग कैंडल्स मार्केट में प्रेजेंट ट्रेंड या स्विंग के रिवर्स होने का सिग्नल देती हैं। इसमें से 2 कैंडल्स शामिल होती हैं। बाद वाली कैंडल पहली कैंडल को इनगल्फ या ढक देती है। इमेज 4.1, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में पहली एक छोटी बेयरिश कैंडल होगी, दूसरी कैंडल पहली बेयरिश कैंडल के नीचे खुलती है, बेयरिश कैंडल से लोअर ट्रेड करती है, लेकिन पावरफुल बुल की एंट्री के कारण ये बेयरिश कैंडल के ऊपर बंद होगा, इसलिए ये पहली बेयरिश कैंडल को इनगल्फ कर लेता है। ये नेचर में बुलिश है। इमेज 4.2, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इन CEAT लिमिटेड। इमेज 4.3, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इन जैकब्स इंजीनियरिंग। इमेज 4.2 और 4.3 बुलिश इनगल्फिंग के एग्जाम्पल हैं। प्राइस डाउन ट्रेंड या स्विंग में है और सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है। प्राइस ऊपर की तरफ संभलने के बाद बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखा रहा है। बियरिश इनगल्फिंग। इनगल्फिंग कैंडल्स मार्केट में
प्रेजेंट, ट्रेंड या स्विंग के रिवर्स होने का सिग्नल देती हैं। इसमें दो कैंडल्स शामिल होती हैं। बाद वाली कैंडल पहली कैंडल की पूरी बॉडी को इनकल्फ कर लेती है। इमेज 4.4, बियरिश इनकल्फिंग पैटर्न। बियरिश इनकल्फिंग पैटर्न में पहली कैंडल एक छोटी बुलिश कैंडल होगी। दूसरी कैंडल पहली बुलिश कैंडल के ऊपर खुलती है, बुलिश कैंडल से ज्यादा ट्रेड करती है, फिर भी पावरफुल सेलर्स की एंट्री की वजह से बुलिश कैंडल के नीचे बंद होगा, इसलिए ये पहली बुलिश कैंडल को इंगल्फ कर लेती है। ये नेचर में बियरिश है। इमेज 4.5, बियरिश इनकल्फिंग पैटर्न इन SPIN। इमेज 4.6, बियरिश इनकल्फिंग पैटर्न इन बैंक निफ्टी। इमेज 4.5 और 4.6 बियरिश इनकल्फिंग के एग्जाम्पल हैं। प्राइस एक अप ट्रेंड या स्विंग में था और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर बियरिश इनकल्फिंग पैटर्न दिखाई दिया। बियरिश इनकल्फिंग पैटर्न बनने के बाद प्राइस गिर गया। हैमर पैटर्न। जब स्टॉक अपने ओपन प्राइस से काफी कम ट्रेड करता है, तब ये बुल्स की अचानक एंट्री से वापस उछल जाता है। ये ओपन प्राइस से थोड़ा नीचे या ऊपर बंद होता है, जिसका रिजल्ट हैमर पैटर्न है। अगर ये क्रिटिकल सपोर्ट लेवल पर होता है तो प्राइस चार्ट में रिवर्सल की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। इमेज 4.7, हैमर पैटर्न इन बजाज फाइनेंस। इमेज 4.8, हैमर पैटर्न इन निफ्टी। इमेज 4.7 और 4.8 हैमर पैटर्न के एग्जाम्पल हैं। हैमर यह हथौड़ा जैसा दिखने की वजह से इसको ये नाम दिया गया है। इस पैटर्न में इसकी लोअर शेडो असली बॉडी से कम दुगनी दिखती है। हैंगिंग मैन पैटर्न। ये हैमर पैटर्न की तरह दिखता है, हालांकि ये अप ट्रेंड के आखिर में होता है और ऊपर से एक लटके हुए आदमी जैसा दिखता है, इसी से इसको नाम मिला है। ये अप ट्रेंड से प्राइस का पोटेंशियल रिवर्सल बताता है। अगर ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल पर होता है तो प्राइस में रिवर्सल का बहुत ज्यादा चांसेस है। इमेज 4.9, हैंगिंग मैन पैटर्न इन केलॉग। इमेज 4.10, हैंगिंग मैन पैटर्न इन टाटा पावर PG47। इमेज 4.9 और 4.10 हैंगिंग मैन पैटर्न दिखाते हैं। इमेज 4.9 में प्राइस अप ट्रेंड में था और प्राइस ठीक रेजिस्टेंस लाइन पर हैंगिंग मैन दिखा रहा था। इमेज 4.10 में ट्रेंड नीचे था, लेकिन हैंगिंग मैन अप स्विंग में गिरावट की तरफ दिखाई दिया। ये दिखाता है कि बायस ने प्राइस को ऊपर पुश करने की ताकत खो दी है, इसलिए प्राइस का उस लेवल से रिवर्स जाने का बहुत ज्यादा चांस है। हैरमी पैटर्न। इनकल्फिंग की तरह हमारे पास दो हैरमी पैटर्न हैं, हैरमी और दो बियरिश हैरमी। जापानी भाषा में हैरमी शब्द का मतलब प्रेग्नेंट लेडी होता है। ये पैटर्न एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह दिखता है और इसीलिए इसे ये नाम मिला है। इमेज 4.11, बुलिश हैरमी और बियरिश हैरमी। बुलिश हैरमी में पहले एक बड़ी बियरिश कैंडल शामिल है, उसके बाद बीच में एक छोटी बुलिश कैंडल होती है। ये दिखाती है कि सेलिंग खत्म हो गई है और प्राइस के ऊपर जाने का बहुत ज्यादा चांस है। बियरिश हैरमी में पहले एक बड़ी बुलिश कैंडल शामिल है, उसके बाद बीच में छोटी बियरिश कैंडल होती है। ये बताती है कि बाइंग खत्म हो चुकी है और प्राइस नीचे जाने का बड़ा चांस है। इमेज 4.12, बुलिश हैरमी इन मारुति। इमेज 4.13, बियरिश हैरमी इन TLF। दी इमेजेस 4.12 एंड 4.13 क्रम से बुलिश हैरमी और बियरिश हैरमी पैटर्न के एग्जाम्पल दिखाते हैं। मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में तीन कैंडलस्टिक्स शामिल हैं, जो डाउन ट्रेंड में होता है और अक्सर अप ट्रेंड की शुरुआत बताता है। इमेज 4.14, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इमेज 4.15, मॉर्निंग स्टार पैटर्न इन टाटा स्टील। इसमें डाउन ट्रेंड में 1, 2, 3 बनता है, जो ट्रेंड में बदलाव इंडिकेट करता है। पहली कैंडल बियरिश है और दूसरी कैंडल इनडिसीजन दिखाती है और तीसरी कैंडल प्राइस की बुलिश चाल बताती है। इवनिंग स्टार पैटर्न। ये मॉर्निंग स्टार की तरह है, लेकिन अपोजिट दिशा में है।
फिर से इस पैटर्न में तीन कैंडलस्टिक्स होती हैं, जो एक अप ट्रेंड में होती है और डाउन ट्रेंड की शुरुआत बताती हैं। इमेज 4.16 इवनिंग स्टार पैटर्न, इमेज 4.17 इवनिंग स्टार पैटर्न इन GBP USD। मॉर्निंग स्टार की तरह इस पैटर्न में भी 1, 2, 3 बनता है, लेकिन अपोजिट दिशा में। ये डाउन ट्रेंड बताता है, पहली कैंडल बुलिश है, दूसरी कैंडल इनडिसीजन दिखाती है और तीसरी कैंडल प्राइस के मंदी या बियरिश बिहेवियर दिखाती है। डोजी पैटर्न, डोजी पैटर्न में सिलेक्टेड समय के लिए ओपन और क्लोज कीमतें लगभग बराबर होंगी। ये एक न्यूट्रल पैटर्न है जो इनडिसीजन दिखाता है। इमेज 4.18 डोजी पैटर्न। दी गई इमेज डोजी के अलग अलग टाइप दिखाती है। तीनों टाइप में कीमत ओपन लेवल पर बंद हुई, हालांकि ओपन या क्लोज की लोकेशन के हिसाब से इसके पीछे के सेंटिमेंट की पहचान की जा सकती है। ग्रेवस्टोन डोजी में ओपन और प्राइस लेवल बिल्कुल नीचे होगा। ये बताता है कि बायस ने इस समय में कीमतों को ऊपर पुश करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कीमतों को ऊपर ले जाने की पावर नहीं थी, इसलिए ये उसी ओपन लेवल पर बंद हुआ। हम सिर्फ डाउनसाइड मूव की उम्मीद कर सकते हैं जब तक प्राइस इस पैटर्न को नकार ना दे। ड्रैगन फ्लाई डोजी में सिचुएशन ठीक इसके उल्टी होती है। इस मामले में सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं और इसलिए प्राइस टॉप पर बंद हुआ। इसलिए हम सिर्फ अपसाइड मूव की उम्मीद कर सकते हैं जब तक प्राइस इस पैटर्न को बेकार नहीं कर देता है। नॉर्मल डोजी, इसे लॉन्ग लेग्ड डोजी भी कहा जाता है। इसमें प्राइस में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती है। इसके अलावा ये बायर्स और सेलर्स के बीच बराबर की लड़ाई को दिखाता है, इसलिए ये इनडिसीजन दिखाता है। अगर हमें सिंपल डोजी मिलता है तो हमेशा बेहतर होता है कि हम अगली कैंडल के पूरा होने का इंतजार करें। पिन बार पैटर्न्स, पिन बार में एक कैंडलस्टिक बार होता है। ये एक प्राइस का मजबूत रिवर्सल और रिजेक्शन दिखाता है। आमतौर पर पिन बार में एक छोटा शरीर और एक लंबी पूंछ होती है। इमेज 4.19 पिन बार पैटर्न्स। फिर से इस पैटर्न के दो टाइप हैं, एक बुलिश पिन बार्स एंड टू बियरिश पिन बार्स। बुलिश पिन बार्स हैमर पैटर्न की तरह होते हैं। दोनों तरह के पिन बार में बॉडी के रंग से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। एक लंबी पूंछ क्रूशियल है क्योंकि ये की लेवल पर प्राइस का रिजेक्शन दिखाता है। इमेज 4.20 बियरिश पिन बार पैटर्न इन पेपाल होल्डिंग्स। ये इमेज बियरिश पिन बार का रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर एक एग्जांपल दिखाती है। ये प्राइस का रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करने का क्लियर रिजेक्शन दिखाता है। इस पॉइंट के बाद प्राइस ने कोई रिकवरी नहीं दिखाई और एक बड़ी गिरावट दर्ज की। इन कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे यूज करें? ट्रेडर्स को ट्रेड में इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इंडिपेंडेंटली यूज नहीं करना चाहिए। इन पैटर्न को पहले से तय किए गए की प्राइस लेवल्स, चाहे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर यूज किया जाना चाहिए। इसके अलावा पैटर्न के पूरा होने से पहले ट्रेड ना करें। जैसे कि अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं और 30 से 45 मिनट के बाद अगर ये बताया गया कि किसी कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह दिख रहा है, तो ट्रेड के लिए तुरंत ऑप्ट ना करें, क्योंकि बाकी समय में पैटर्न बेकार हो सकता है या बदल सकता है। यह हमेशा बेहतर रहता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न पूरा होने के बाद ट्रेड का प्लान बनाया जाए। यह हमेशा बेहतर होता है कि एक ट्रेडिंग सिस्टम को फाइनल किया जाए और तब उसे इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स में इस्तेमाल किया जाए। नहीं तो एक ट्रेडर ट्रेडिंग में कंट्रोल खो देता है और हर दिन कई लॉसिंग ट्रेड्स कर बैठता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। क्या आप जानते हैं कि रेसिंग हॉर्सेस की आंखें ब्लिंकर या ब्लाइंडर से क्यों ढकी होती हैं? ये ब्लाइंडर चमड़े या प्लास्टिक के बने होते हैं। ये घोड़े के दोनों किनारों पर लगाए जाते हैं। ये घोड़ों के विजन के एंगल को 75% से ज्यादा कम कर देता है,
लेकिन फिर भी सभी सवार विशेषकर रेस में इसका यूज करते हैं। क्या वे क्रेजी हैं? इमेज कर्टसी मोहम्मद नवल अनस्प्रेश। कारण बहुत ही सादा और सीधा है। घोड़ों की आंखें उनके चेहरों के किनारों पर होती हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास पेरिफेरल विजन है। ये आसानी से घोड़े को किसी भी दिशा में दौड़ने के लिए उकसा सकती हैं, जब तक उन्हें फोकस रहने पर मजबूर नहीं किया जाता है। जब राइडर ब्लाइंडर्स लगाते हैं तो ये साइड एंगल विजन को ढक लेगा और सामने ध्यान फोकस करेगा। इस डिवाइस की मदद से रेसिंग हॉर्सेस टारगेट पर बेहतर ध्यान लगाएंगे और वो बहुत तेज दौड़ सकते हैं। इमेज। यही लॉजिक सभी ट्रेडर्स पर लागू होता है। हमारे पास कई ट्रेडिंग टाइप्स हैं, जैसे स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ट्रेंड फॉलोइंग वगैरह। अगर मैं इस पॉइंट पर रुक जाता हूं तो ट्रेडर हर मुमकिन ट्रेडिंग स्टाइल से ट्रेड करेंगे और पैसा खो देंगे। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स कवर करूंगा और आप कोई भी एक ट्रेडिंग स्टाइल चुन सकते हैं जो आपके लिए सही हो। प्लीज ध्यान दें, उन सभी को अपनी ट्रेडिंग में लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग तकनीक है जो पूरे स्विंग पर कब्जा करने की कोशिश करती है, जब प्राइस पूरी तरह से साइडवेज जोन में जाता है। इमेज 5.1 स्विंग ट्रेडिंग। अपोजिंग प्रेशर आने से पहले ट्रेड से बाहर निकलना ही ठीक है। इसका मतलब है कि आप मार्केट रिवर्स होने से पहले अपना प्रॉफिट उठा लें। इमेज 5.2 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। रेंज बाउंड स्टॉक या इंडेक्स की पहले स्टेप में पहचान करें। लॉन्ग ट्रेड के लिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढें, जैसे बुलिश इनकल्फिंग, बुलिश हेरेमी, हैमर, मॉर्निंग स्टार। अगर आप प्राइस कंफर्मेशन देखते हैं तो चार्ट पैटर्न के हाई के ऊपर चार्ट पैटर्न के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखते हुए लॉन्ग ट्रेड का चुनाव करें। आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन को अपना टारगेट रख सकते हैं। ट्रेड का प्लान तभी करें जब रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से ज्यादा हो। इमेज 5.3 स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग ट्रेड एग्जाम्पल 1। इमेज 5.4 स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग ट्रेड एग्जाम्पल 2। इमेज 5.3 और इमेज 5.4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करते हुए स्विंग ट्रेडिंग में लॉन्ग ट्रेड्स का एग्जाम्पल हैं। दोनों ही मामलों में प्राइस साइडवेज ट्रेंड में है। वहां एक अच्छी सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी और प्राइस कैंडलस्टिक कंफर्मेशन दिखाता है। 5.3 में हैमर और 5.4 में बुलिश हैरमी। इसलिए कंफर्मेशन कैंडल हाई के ऊपर कंफर्मेशन कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखते हुए एक लॉन्ग ट्रेड प्लान किया जा सकता है। टारगेट अगला रेजिस्टेंस जोन होगा, जैसा कि इमेज में हाईलाइट किया गया है। शॉर्ट ट्रेड के लिए बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखें, जैसे कि बियरिश इनगल्फिंग, बियरिश हैरमी, हैंगिंग मैन, इवनिंग स्टार, पिन बार। अगर आप प्राइस कंफर्मेशन देखते हैं तो चार्ट पैटर्न के लो के नीचे चार्ट पैटर्न के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हुए शॉर्ट ट्रेड को चुनें। आप अपने टारगेट में अगली सपोर्ट लाइन का एम कर सकते हैं। ट्रेड तभी प्लान करें जब रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से ज्यादा हो। इमेज 5.5 स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट ट्रेड एग्जाम्पल 1। इमेज 5.6 स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट ट्रेड एग्जाम्पल 2। इमेज 5.5 और इमेज 5.6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज करके स्विंग ट्रेडिंग में शॉर्ट ट्रेड का एग्जाम्पल हैं। दोनों ही मामलों में प्राइस साइडवेज ट्रेंड में है। वहां एक अच्छी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी और प्राइस कैंडलस्टिक कंफर्मेशन दिखाता है। 5.5 में पिन बार प्लस बेयरिश हैरमी और 5.6 में बेयरिश इनगल्फिंग। इसलिए कंफर्मेशन कैंडल के लो के नीचे कंफर्मेशन कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हुए शॉर्ट ट्रेड प्लान किया जा सकता है। टारगेट अगला सपोर्ट जोन होगा, जैसा इमेज में हाईलाइट किया गया है। ट्रेंड फॉलोइंग। इस सिस्टम में ट्रेंड एक क्रूशियल रोल निभाता है, क्योंकि सभी ट्रेड ट्रेंड के डायरेक्शन में आते हैं। लॉन्ग ट्रेड्स के लिए पहले का ट्रेंड ऊपर की ओर होना चाहिए। अगर प्राइस हेल्दी करेक्शन और एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता है तो लॉन्ग ट्रेड प्लान किया जा सकता है।
शॉर्ट ट्रेड्स के लिए पहले का ट्रेंड नीचे की ओर होना चाहिए। अगर प्राइस उछाल और एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता है तो शॉर्ट ट्रेड प्लान किया जा सकता है। लॉन्ग ट्रेड्स के रूल, एक, प्राइस साफ अप ट्रेंड में होना चाहिए। दो, हेल्दी पुल बैक। तीन, प्राइस को सपोर्ट लाइन पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाना चाहिए। चार, रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:1.5 होना चाहिए। इमेज 5.7, ट्रेंड फॉलोइंग लॉन्ग ट्रेड इन लोएस्ट कॉर्प। इमेज 5.8, ट्रेंड फॉलोइंग लॉन्ग ट्रेड इन यूएसडी सीएडी। इमेज 5.7 और 5.8 ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निक का यूज करके लॉन्ग ट्रेड के सिंपल एग्जांपल हैं। दोनों ही मामलों में पहले का ट्रेंड ऊपर है, एक हेल्दी पुल बैक था और कैंडलस्टिक कंफर्मेशन ठीक सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर है। 5.7 में हैमर और 5.8 में बुलिश इनगल्फिंग। एक ट्रेडर कंफर्मेशन कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस को कंफर्मेशन कैंडल के लो के नीचे रखते हुए लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकता है। पिछला स्विंग हाई एक सेफ टारगेट है, क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड ऊपर है, इसलिए हम टारगेट पर 50-75% की पोजीशन पर एग्जिट का प्लान बना सकते हैं और बाकी पोजीशन को हर स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ लेकर जाएं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि ट्रेंड कहां रुकेगा। असल में ये ट्रेडिंग अप्रोच का कोर लॉजिक है। कभी कभी एक ट्रेड का प्रॉफिट ट्रेलिंग एसएल का यूज करके कई फेल्ड ट्रेड के लॉस को कम कर सकता है। शॉर्ट ट्रेड्स के रूल्स, एक, प्राइस में क्लियर गिरावट में होनी चाहिए। दो, हेल्दी उछाल। तीन, प्राइस को रेजिस्टेंस लाइन पर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाना चाहिए। चार, रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:1.5 होना चाहिए। इमेज 5.9, ट्रेंड फॉलोइंग शॉर्ट ट्रेड इन डीएलएफ। इमेज 5.10, ट्रेंड फॉलोइंग शॉर्ट ट्रेड इन राइडर सिस्टम। इमेज 5.9 और इमेज 5.10 ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निक के तहत शॉर्ट ट्रेड के सरल एग्जाम्पल हैं। दोनों ही मामलों में पिछला ट्रेंड नीचे है, इसमें एक हेल्दी उछाल था और कैंडलस्टिक कंफर्मेशन ठीक रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन पर था। बियरिश इनगल्फिंग 5.9 में और पिन बार 5.10 में। एक ट्रेडर कंफर्मेशन कैंडल लो के नीचे शॉर्ट ट्रेड का प्लान बना सकता है, कंफर्मेशन कैंडल के हाई ऊपर स्टॉप लॉस रखते हुए। पिछला स्विंग लो सेफ टारगेट है, क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड नीचे है, इसलिए हम टारगेट पर 50-75% पोजीशन से बाहर निकलने की योजना बना सकते हैं और बाकी की पोजीशन को हर स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेडिंग रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग और ट्रेंड फॉलोइंग दो सरल ट्रेडिंग सिस्टम हैं और हम उनमें सीधे प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज लागू कर सकते हैं। यदि आप एक बिगिनर या एक इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर हैं तो इसमें से किसी भी एक स्ट्रेटजी को मास्टर कर लेना ट्रेडिंग में सक्सेस का स्वाद चखने के लिए बहुत काफी है। अगले चैप्टर में कुछ एडवांस ट्रेडिंग टॉपिक्स और उनके कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं। फिर अगर आप बिगनर हैं तो इसे छोड़ने के लिए फ्री महसूस करें और सीधे चैप्टर 7 पर जाएं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग। एक ब्रेकआउट ट्रेड अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं है बल्कि एक स्टॉक प्राइस का डिफाइंड रेजिस्टेंस लेवल के बाहर बढ़ी वॉल्यूम के साथ मूव करना है। इमेज 5.11, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम। एक ब्रेकआउट ट्रेडर एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर करता है जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस के नीचे रखते हुए टूटता है। इस प्रोसेस में वो या तो अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं या हायर लेवल्स पर प्रॉफिट बनाने के लिए एग्जिट करने का टारगेट रखते हैं। मैंने इस टॉपिक पर डिटेल में एक किताब लिखी है, हाउ टू मेक मनी विद ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा जानने के लिए प्लीज इस ऑडियो बुक को सुने। प्राइस एक्सेप्टेंस एंड प्राइस रिजेक्शन। आपकी इज्जत, एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बावजूद ट्रेड में सिर्फ दो चीजें आपका भाग्य तय करती हैं। एक,
एंट्री और 2 एग्जिट। आपकी एंट्री और एग्जिट को छोड़कर बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता है, ना ही मार्केट को कोई परवाह है। इसलिए सक्सेस पाने के लिए प्राइस की गहरी समझ रखना बेहतर है। प्राइस रिजेक्शन इमेज 6.1, सपोर्ट ट्रेडिंग प्लान इमेज 6.1 USD INR चार्ट में सपोर्ट बॉक्स दिखाती है और प्राइस सपोर्ट बॉक्स पहुंच गया है। अगर स्मार्ट मनी बड़े लोग जो पहले से ही इन्वेस्टेड हैं का अभी भी बुलिश व्यू है तो वो क्या करेंगे? वो जुट जाते हैं और लार्ज क्वांटिटीज में खरीदते हैं, वरना अगर वो बुलिश नहीं है तो बाइंग नहीं होगी। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ। इमेज 6.2 सपोर्ट ट्रेडिंग प्लान बी। अब ध्यान से देखिए कि अगले दिन क्या हुआ। प्राइस ने सपोर्ट बॉक्स के लोअर लेवल्स को तोड़ दिया। अगर स्मार्ट मनी बुलिश या इसे जमा करने के लिए कीन है तो ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए उन्होंने बड़ी क्वांटिटी में एंटर किया और उनका साइज सपोर्ट के ब्रेक रिजेक्शन दिखाता है। इसे प्राइस रिजेक्शन कहते हैं। एक बार जब प्राइस स्मार्ट मनी से क्लियर रिजेक्शन दिखाता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि सपोर्ट बॉक्स सपोर्ट की तरह काम करेगा, इसलिए ट्रेडर्स रिजेक्शन कैंडल के ऊपर लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं या सपोर्ट बॉक्स की ऊपर की लाइन पर अगर आप सेफ ट्रेड ढूंढ रहे हैं। रिजेक्शन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस को रखते हुए दी गई इमेज रिजल्ट दिखाती है। इमेज 6.3 सपोर्ट ट्रेडिंग प्लान रिजल्ट। प्राइस एक्सेप्टेंस इमेज 6.4 रेजिस्टेंस ट्रेडिंग प्लान ए। ये इमेज सीएट लिमिटेड का डेली चार्ट दिखाती है। इसमें एक क्लियर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और ऐसा लगता है कि फिलहाल प्राइस रेजिस्टेंस दिखा रहा है, लेकिन अगर आप गौर करें तो दो चीजों की पहचान की जा सकती है। ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की सुंदरता है। एक, रिजेक्शन कैंडल मजबूत नहीं है। 2, पिछले सभी स्विंग्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी जा सकती है। अगर सेलर्स पावरफुल हैं तो उन्हें प्राइस स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल से नीचे ले जानी होगी। इमेज 6.5 रेजिस्टेंस ट्रेडिंग प्लान बी। इमेज 6.5 दिखाती है कि अगले कुछ दिनों में क्या हुआ। सेलर्स क्लियरली प्राइस को नीचे की ओर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इमेज 6.6 रेजिस्टेंस ट्रेडिंग प्लान सी। इमेज 6.6 में सेलर्स का फेलियर क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बायस के असर से प्राइस को रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर पुश कर दिया गया है और एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिख रहा है। इसे प्राइस एक्सेप्टेंस कहते हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी ये सोचना कि रेजिस्टेंस लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करती है एक अच्छा आइडिया है? मुझे आशा है कि आपका उत्तर नहीं है। तब हम एक्सेप्टेड कैंडल के हाई से ऊपर स्टॉप लॉस को एक्सेप्टेड कैंडल के नीचे रखते हुए एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें सक्सेस की पूरी उम्मीद है। आप इमेज 6.7 में रिजल्ट देख सकते हैं। इमेज 6.7 रेजिस्टेंस ट्रेडिंग प्लान रिजल्ट। केस स्टडी 1 USD INR। इमेज 6.8 केस स्टडी 1 पार्ट 1। केस स्टडी 1 USD INR का डेली चार्ट दिखाता है। यहाँ एक अच्छी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और प्राइस ने ट्रेंड लाइन के नीचे एक महीने से ज्यादा ट्रेड किया, लेकिन सेलर पावर प्राइस को नीचे की ओर पुश करने के लिए काफी नहीं है क्योंकि ये लोअर लोज बनाने में फेल रहा और हर स्विंग लो इमेज में एक ही तरह हाईलाइट किया गया है, पर स्ट्रॉन्ग बाइंग भी देखी गई है। इसके अलावा प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ये सेलर्स के लिए अगर वो चाहते हैं तो शॉर्ट पोजीशंस को लोड करने का बढ़िया मौका है, लेकिन उनकी एक्टिविटी इतनी छोटी है कि उसने सिर्फ 2 छोटे पिन बार्स बनाए। ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस ट्रेडिंग की हायर प्रोबेबिलिटी दिखाता है, जिसका मतलब है कि रेजिस्टेंस लाइन होल्ड नहीं करेगी। हालांकि हमें इस समय लॉन्ग ट्रेड का प्लान नहीं बनाना चाहिए। हमें बुल्स की एंट्री का इंतजार करने की जरूरत या सेलर पूरी तरह से नकार दे। इमेज 6.9 केस स्टडी 1 पार्ट 2। इमेज 6.9 एक दिन बाद
ट्रेडिंग एक्टिविटी के उसी चार्ट को दिखाता है। ये क्लियर है कि सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करने में फेल रहे। इसके अलावा बायर्स भी एंटर हुए और सारी सेलिंग को नकार दिया, सी के रूप में हाईलाइट है। यह हमारी पिछली एंजम्पशन को भी सपोर्ट करता है, इसलिए यह बेहतर है कि हरी कैंडल की हाई के ऊपर हरी कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखते हुए एक लॉन्ग ट्रेड का प्लान बनाएं। इस ट्रेड में सक्सेस की काफी उम्मीद है। इमेज 6.10, केस स्टडी 1 रिजल्ट। जैसा कि मैंने पहले कहा, सिर्फ एंट्री और एग्जिट ही ट्रेड में आपकी किस्मत का फैसला करती हैं। फिलहाल मैं एंट्री पर ध्यान दे रहा हूं। मैं बाद के केस स्टडीज में एग्जिट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। हर एक ट्रेडर एक सीधी एग्जिट स्ट्रेटजी फॉलो कर सकता है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पर पोजीशन के 50% का प्रॉफिट लेने के लिए और बाकी ट्रेल एसएल कॉन्सेप्ट के साथ आगे ले जा सकता है। लॉन्ग ट्रेड्स के लिए स्विंग लो के नीचे और शॉर्ट ट्रेड्स के लिए स्विंग हाई से ऊपर। केस स्टडी 2, प्लेटिनम फ्यूचर्स। इमेज 6.11, केस स्टडी 2, PA1। इमेज 6.11 प्लेटिनम फ्यूचर्स का डेली चार्ट दिखाता है। इसकी एक अच्छी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, प्राइस सपोर्ट लाइन के पास है और सवाल यह है कि क्या ये होल्ड करेगा या नहीं। यदि आप ध्यान दें तो प्राइस हायर हाई बनाने में फेल है और सेलिंग स्विंग हाईस पर मजबूत है। हमें इस समय शॉर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि स्क्रिप्ट में कुछ बाइंग देखी गई है। स्मॉल बाइंग विक के कारण हम एक शॉर्ट ट्रेड का प्लान बना सकते हैं जब प्राइस सेलिंग को नकार देता है। इमेज 6.12, केस स्टडी 2, PA2। इमेज 6.12 कुछ दिनों की ट्रेडिंग एक्टिविटी के बाद वही चार्ट दिखाता है। ये क्लियर है कि बायर्स को प्राइस को ऊपर पुश करने कंसोलिडेशन के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ी। इसके अलावा वहां मैं एक सिग्निफिकेंट बेयरिश कैंडल, बेयरिश इनगल्फिंग है जो बुल के ताबूत में आखिरी कील का काम करता है। ये प्राइस एक्सेप्टेंस दिखाता है, इसका मतलब है कि प्राइस में गिरावट का बहुत ज्यादा चांस है, इसलिए हम लो ऑफ द बिग बेयरिश कैंडल के नीचे या सेफ ट्रेड के लिए ट्रेंड लाइन के नीचे शॉर्ट ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, हाई ऑफ द बेयरिश कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हुए। इमेज 6.13, केस स्टडी 2 रिजल्ट। इमेज 6.13 इस ट्रेड का रिजल्ट दिखाता है और ये हर चीज बताता है। इस मामले में एग्जिट बताने के लिए कोई अच्छे रेफरेंस पॉइंट्स नहीं है, इसलिए ट्रेड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए 50% से एग्जिट कर सकता है और बाकी एसएल ट्रेल्स कॉन्सेप्ट के साथ आगे ले जा सकता है। केस स्टडी 3, TCS। इमेज 6.14, केस स्टडी 3, PA1। ये इमेज TCS का डेली चार्ट है। प्राइस एक क्लियर साइडवेज चैनल में बढ़ रहा है। आखिर में बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह फेल रहे क्योंकि एकदम से सेलर्स की रेजिस्टेंस जोन के ऊपर एंट्री हुई। इस कैंडल में डेली रेंज का लगभग 50% सेलिंग विक है। ये बताता है कि बायर के पास सेलिंग से लड़ने के लिए फायर पावर कम है। शॉर्ट ट्रेड करने के बजाय हम एक और कैंडल का इंतजार कर सकते हैं ये देखने के लिए कि कौन ज्यादा पावरफुल है। इमेज 6.15, केस स्टडी 3, PA2। अगर आप इमेज 6.15 को देखते हैं तो अगली कैंडल पर सेलर्स का दबदबा है। वहां एक ओपन हाई था और फिर पूरे दिन गिरावट बनी रही। इसके अलावा प्राइस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर और पहली कैंडल के हाई पर ट्रेड करने में फेल रहा। ये एक मजबूत सेलिंग फोर्स की मौजूदगी कंफर्म करता है, इसलिए हम सेलिंग कैंडल के लो के नीचे सेलिंग विक या रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हुए शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हम सपोर्ट ट्रेड लाइन को अपना टारगेट कर सकते हैं। इमेज 6.16 ट्रेड का रिजल्ट दिखाता है। प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन के हमारे टारगेट पर पहुंच गया है। इमेज 6.16, केस स्टडी 3 रिजल्ट। मैं इस समय ट्रेड से एग्जिट करने का सुझाव देता हूं।
क्या आप एक रीजन सोच सकते हैं? उत्तर सीधा है, वहां एक बिग बाइंग विक के साथ सपोर्ट लाइन पर रिजेक्शन कैंडल है, इसलिए जोखिम लेने के बजाय प्रॉफिट बुक करना बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से ये पूरी तरह से अपसाइड हो जाएगा, लेकिन रिजेक्शन कैंडल देखने के बाद स्लाइड बाउंस की पॉसिबिलिटी है और हमें यकीन नहीं है कि ये किस लेवल तक उछलेगा, इसलिए ये बेहतर है कि ट्रेड से एग्जिट कर जाएं। यदि आप एक जोखिम भरे ट्रेडर हैं तो आप सपोर्ट लाइन पर 50-75% की पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं और बाकी पोजीशन को एंट्री प्राइस को अपना स्टॉप लॉस रखकर आगे ले जाएं। इस तरह भले ही प्राइस छोटी पोजीशन के लिए है, आपका स्टॉप लॉस हिट करे, आप बाद में ज्यादा क्वांटिटी के लिए पैसा कमाते हैं। केस स्टडी 4, निफ्टी 15 मिनट चार्ट। वही प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स इंट्राडे ट्रेडिंग में या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन जब इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात आती है, ट्रेडर्स एक महत्वपूर्ण पहलू को भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। जब भी हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं और साथ ही रिस्क और शोर भी बढ़ता है, तो हमारे मनी मैनेजमेंट रूल्स हमारी कैपिटल के इरोजन को रोकने के लिए डिजाइन किए जाने चाहिए, भले ही हमें लगातार कुछ फेल्ड ट्रेड मिले हों। इमेज 6.17, केस स्टडी 4, PA1। इमेज 6.17 15 मिनट का निफ्टी चार्ट दिखा रहा है। आगे दिए गए पॉइंट्स चार्ट से बिल्कुल साफ हैं। खरीदार कीमतों को ऊपर पुश करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। चैनल में सेलर प्रमुख हैं, बड़ी लाल कैंडल्स। बायर्स प्राइस को रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर पुश करने में फेल रहे। प्राइस ने सपोर्ट ट्रेंड लाइन के करीब एक्सेप्टेंस दिखाई। इन सभी पॉइंट से पता चलता है कि प्राइस का सपोर्ट ट्रेंड लाइन को तोड़ने का हायर प्रोबेबिलिटी है। हम या तो आखिरी लाल कैंडल के नीचे एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं या एक और कैंडल के पूरा होने के लिए वेट कर सकते हैं। प्लीज ध्यान दें कि इंट्राडे ट्रेडिंग में वेट की वजह से हम अच्छे मौके मिस कर सकते हैं। इमेज 6.18, केस स्टडी 4, PA2। इमेज 6.18 उसी चार्ट को एक और मिनट की कैंडल के पूरी होने के बाद दिखाता है। ये बिल्कुल साफ है कि सेलर्स पूरे कंट्रोल में हैं। यदि आप पहले से ही ट्रेड ले चुके हैं तो आप पहले से ही प्रॉफिट में हैं। अगर नहीं तो आप लाल कैंडल के हाई के ऊपर या सपोर्ट लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हुए लास्ट लाल कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हम अपने टारगेट में पिछले स्विंग लो 13455 के लिए एम कर सकते हैं। इमेज 6.19, केस स्टडी 4, रिजल्ट। इमेज 6.19 ट्रेड का रिजल्ट दिखाता है और इसे समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। केस स्टडी 5, बैंक निफ्टी 5 मिनट चार्ट। इमेज 6.20, केस स्टडी 5, PA1। इमेज 6.20 बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट के साथ एक इंटरेस्टिंग सीन दिखाता है। बैंक निफ्टी ने पिछले दिन के निचले स्तर से गैप डाउन ओपन दिखाया, हालांकि ये डाउन साइड में फैलने में फेल रहा। इसने धीरे धीरे हायर लोज बनाना शुरू कर दिया। हालांकि तीनों कैंडल्स में रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के नीचे बड़ी अपर विक के साथ जोरदार बिक वाली देखी जा सकती है, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। इस समय ये बायर्स और सेलर्स के बीच एक बराबर की लड़ाई है। सभी सेलर्स ने अपना स्टॉप लॉस दिन के हाई से ऊपर रखा है, इसी तरह सभी बायर्स ने अपना स्टॉप लॉस दिन के लो के नीचे रखा है। इमेज 6.21, केस स्टडी 5, PA2। इमेज 6.21 वही चार्ट दिखाता है, लेकिन 3 कैंडल्स पूरी होने के बाद। इन 3 कैंडल्स ने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर प्राइस का एक्सेप्टेंस दिखाया था। आखिरी कैंडल भी दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर रही थी, जिसका मतलब है कि सभी सेलर्स को अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए दौड़ना चाहिए। ये अपसाइड रेंज एक्सटेंशन के साथ ट्रेंड डे पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। ट्रेंड डे और रेंज एक्सटेंशन दोनों मार्केट प्रोफाइल कॉन्सेप्ट्स हैं। मार्केट प्रोफाइल
इंट्राडे ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बेहद फायदेमंद है। इसलिए एक ट्रेडर ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर लॉन्ग ट्रेड का प्लान बना सकता है, ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस को रखते हुए। अपने ट्रेड से एग्जिट को मैनेज करने के लिए रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस एक्शन का एक ही लॉजिक लागू करना चाहिए। इमेज 6.22, केस स्टडी 5, रिजल्ट। इमेज 6.22 ट्रेड का रिजल्ट दिखाता है। यह अपसाइड पर महत्वपूर्ण और तेज मूव दिखाता है। प्राइमरी कारण यह है कि सेलर्स कवर के लिए दौड़े और इनडायरेक्टली बायर्स बन गए। उनका स्टॉप लॉस ऑर्डर बाई ऑर्डर बन गया और ट्रेड को क्लोज करने की उनकी उत्सुकता की वजह से अपसाइड पर बड़े मूव हुए। मुझे उम्मीद है कि प्राइस एक्शन के बारे में ये सभी एक्सप्लेनेशंस और केस स्टडीज मददगार हैं। क्या आपने देखा कि मैंने वॉल्यूम के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया है? मैंने ऐसा जानबूझकर दो कारणों से किया है। एक, सिर्फ प्राइस के बारे में मौजूद महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पर आपका ध्यान फोकस करने के लिए, और दो, कई ट्रेडर्स ने वॉल्यूम के ट्रेडिशनल यूज को पढ़ा है और उनका दिमाग उन सभी चीजों को लागू करने के बारे में सोचेगा अगर मैंने वॉल्यूम को शामिल किया होता। अगला चैप्टर पूरी तरह से वॉल्यूम के बारे में है और इस चैप्टर में आप वॉल्यूम के बारे में बिल्कुल अलग एप्लीकेशन पाएंगे। क्या होगा अगर मैं कहूं कि ज्यादातर ट्रेडर्स वॉल्यूम का यूज गलत तरीके से करते हैं? प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में केवल दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वन प्राइस और टू वॉल्यूम। पिछले चैप्टर तक हमने प्राइस को पढ़ा था और इस चैप्टर में हम वॉल्यूम का पता लगाएंगे। मैंने आपकी नजर में लाने के लिए ऊपर का टॉपिक नहीं लिया है, बल्कि मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यही सच्चाई है। इस चैप्टर में दो मॉड्यूल हैं, एक वॉल्यूम एनालिसिस बेसिक और दो वॉल्यूम एनालिसिस एडवांस्ड। मैं शुरुआत में वॉल्यूम एनालिसिस के बेसिक पहलुओं को शेयर कर रहा हूं, क्योंकि एडवांस्ड वॉल्यूम एनालिसिस में आपके दिमाग में कई प्रश्न खड़े होंगे और ये वॉल्यूम प्रिंसिपल्स के फाउंडेशंस या आइडिया को हिला देगा। तो बिगनर्स और इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर्स को वॉल्यूम की बेसिक जानकारी से लाभ होगा। ज्यादा एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स एडवांस्ड कॉन्सेप्ट से ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। वॉल्यूम एनालिसिस के बेसिक्स। वॉल्यूम कुछ और नहीं बल्कि बायर्स और सेलर्स की टोटल नंबर के बीच एक विशेष पीरियड में शेयरों का लेन देन है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक ट्रेडिंग दिन में एक्स वाई जेड स्टॉक का वॉल्यूम 1 मिलियन है, तो इसका मतलब है कि लोगों के एक समूह ने 1 मिलियन एक्स वाई जेड शेयर बेचे और लोगों के दूसरे समूह ने उसी दिन 1 मिलियन शेयर खरीदे हैं। ट्रेडर्स को वॉल्यूम को एक कंफर्मेशन टूल के रूप में यूज करना चाहिए और ट्रेड शुरू करने के लिए कभी भी इसको इंडिपेंडेंटली यूज ना करें। प्राइस को इग्नोर करके ये टेबल प्राइस वॉल्यूम का को रिलेशनशिप समझाती है। जब प्राइस के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ये नेचर में बुलिश है, लेकिन जब प्राइस बढ़ रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है तो ये नेचर में बुलिश नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें शॉर्ट देखना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम कंसोलिडेशन के बाद फिर से बढ़ सकता है। जब प्राइस गिरने के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये नेचर में बियरिश है, लेकिन जब प्राइस वॉल्यूम में कमी के साथ गिर रहा है तो ये नेचर में बियरिश नहीं है। इमेज 7.1, इंक्रीज इन प्राइस एंड वॉल्यूम। ये इमेज उस मामले को दिखाती है जहां प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। जब भी हमें ऐसा दिखता है, प्राइस के ऊपर जाने की हायर प्रोबेबिलिटी रहती है। इमेज 7.2, वॉल्यूम कंफर्मेशन फॉर अ लॉन्ग ट्रेड इन यूएसडी सीएडी। इमेज 7.2 ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निक में लॉन्ग ट्रेड का एग्जाम्पल दिखा रहा है। पिछला ट्रेंड ऊपर की ओर है, यहाँ एक हेल्दी पुल बैक है और साथ ही प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर बुलिश हरमी पैटर्न दिखाता है, इसलिए प्राइस के नजरिए से लॉन्ग ट्रेड लेना सही है। अब वॉल्यूम को देखें। प्राइस की हर इंक्रीज के साथ वॉल्यूम में भी इंक्रीज देखी गई और प्राइस की हर गिरावट के साथ वॉल्यूम में भी कमी देखी गई, इसलिए ये लॉन्ग ट्रेड के लिए ठीक लग रहा है। इमेज 7.3, वॉल्यूम कंफर्मेशन इज मिसिंग इन यूएसडी जेपीवाई।
ये इमेज ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निक में लॉन्ग ट्रेड का वैसा ही एग्जाम्पल दिखाती है। पिछला ट्रेंड ऊपर है, वहां हेल्दी पुल बैक है और प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर बुलिश हरमी पैटर्न दिखाता है। हालांकि अगर आप प्राइस वॉल्यूम के को रिलेशनशिप को देखते हैं तो ये दूसरी कहानी बताता है। इसने डाउन स्विंग्स में वॉल्यूम स्पाइक दिखाया है और अप स्विंग में वॉल्यूम में सर्च नहीं दिखाता है। ये सीरियस सेलर्स की मौजूदगी दिखाता है, इसलिए इसे लॉन्ग ट्रेड के लिए चुनना अच्छा नहीं है, भले ही प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर बुलिश हैरमी पैटर्न दिखाए। इमेज 7.4 वॉल्यूम कंफर्मेशन फॉर अ ब्रेकआउट ट्रेड इन यूएसडी आईएनआर। इमेज 7.4 यूएसडी आईएनआर में ब्रेकआउट ट्रेड का एक एग्जांपल दिखाता है। प्राइस वॉल्यूम के को रिलेशनशिप को ध्यान से देखें। प्राइस में हर बढ़ोतरी के साथ हर बार बढ़ा हुआ वॉल्यूम दिखाता है और हर बार प्राइस में सुधार से वॉल्यूम कम होता है। ये क्राइटेरिया बुल्स के लिए अच्छा है और वॉल्यूम की ओर से लॉन्ग ट्रेड का चुनाव करने में कंफर्मेशन देने का काम करता है। इमेज 7.5 वॉल्यूम कंफर्मेशन फॉर अ शॉर्ट ट्रेड इन टाटा मोटर्स। इमेज 7.5 टाटा मोटर्स में शॉर्ट ट्रेड का एक एग्जांपल दिखाता है। पिछला ट्रेंड नीचे है, एक हेल्दी बाउंस है और प्राइस भी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर कुछ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे कि बियरिश हरेमी और पिन बार दिखाता है। अब प्राइस वॉल्यूम के को रिलेशनशिप को ध्यान से देखें। प्राइस में हर गिरावट के साथ वॉल्यूम में इंक्रीज देखी गई है और हर प्राइस की इंक्रीज कम वॉल्यूम दिखाता है, इसलिए वॉल्यूम बियर्स की मजबूत मौजूदगी दिखाता है। इसलिए शॉर्ट ट्रेड का चुनाव करना एक अच्छा आइडिया है। वॉल्यूम एनालिसिस एडवांस्ड। इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा कॉशन देना चाहता हूं। अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज इस पार्ट को छोड़ दें और अगले चैप्टर पर सीधे जाएं। आप वॉल्यूम एनालिसिस बेसिक से कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं और कुछ एक्सपीरियंस पाने के बाद आप इस पार्ट को सुन सकते हैं। प्राइस वॉल्यूम का को रिलेशनशिप का ट्रेडिशनल आइडिया या अंडरस्टैंडिंग हर समय काम नहीं करती है और ये बहुत से पहलुओं को मिस कर देती है। एग्जाम्पल के लिए, ट्रेडर्स का कहना है कि प्राइस सिर्फ वॉल्यूम में इंक्रीज के साथ ऊपर बढ़ता है। मेरी राय में ये आइडिया सही नहीं है। ज्यादा वॉल्यूम के साथ प्राइस और ऊपर जा सकता है, ये मीडियम वॉल्यूम के साथ ऊपर जा सकता है और ये कम वॉल्यूम के साथ भी ऊपर जा सकता है। क्या आपको लगता है कि मेरा आइडिया बकवास है? आइए कुछ चार्ट देखते हैं। इमेज 7.6 प्राइस वॉल्यूम को रिलेशनशिप इन यूएसडी सीएडी। इमेज 7.6 में प्राइस अक्टूबर से दिसंबर के आखिर तक बढ़ गया है, परंतु वॉल्यूम में इंक्रीज कहां है? वॉल्यूम करीब करीब एवरेज वॉल्यूम की तुलना में समान है। क्या आपको इस फैक्ट को पचाने में मुश्किल हो रही है? तो आइए चार्ट देखते हैं। इमेज 7.7 प्राइस वॉल्यूम को रिलेशनशिप इन यूएसडी आईएनआर। इमेज 7.7 एक यूएसडी आईएनआर चार्ट है जिसमें प्राइस 64.25 से 68.75 तक बढ़ गया है, लेकिन वॉल्यूम वाले हिस्से को देखें, ये एवरेज वॉल्यूम से कम है। ये साफ साफ दिखाता है कि प्राइस कम वॉल्यूम में भी बढ़ सकती है। इमेज 7.8 प्राइस वॉल्यूम को रिलेशनशिप इन फेसबुक। इमेज 7.8 एक और एग्जांपल दिखाता है जिसमें वॉल्यूम में बिना बढ़ोतरी के प्राइस ऊपर चला गया है। कम से कम अब तक क्या आप इस बात को मानते हैं कि वॉल्यूम बढ़ने से या मीडियम रहने से या वॉल्यूम कम रहने से प्राइस और बढ़ सकता है? यदि आपको अभी भी इस फैक्ट को मानने और पचाने में मुश्किल हो रही है तो प्लीज कुछ चार्ट्स देखें और प्राइस के अपस्विंग में वॉल्यूम का भाग देखें। इमेज 7.9 प्राइस वॉल्यूम को रिलेशनशिप इन LIC। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए एक सिंपल चार्ट। इमेज 7.9 देखें। रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन और प्राइस एक महत्वपूर्ण वॉल्यूम स्पाइक के साथ ट्रेंड लाइन के ऊपर खुला और बंद हुआ। इस चार्ट पर आपका क्या विचार है? बुलिश, बियरिश या कुछ क्लियर नहीं? यदि आपका उत्तर बुलिश है तो यह आपकी अंडरस्टैंडिंग और हकीकत के बीच बहुत बड़ा मिसमैच है। लीजिए मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। क्या आप मानते हैं कि रेजिस्टेंस जोन सेलर्स का है?
इसके अलावा ऊपर की ओर बढ़ने के लिए रेजिस्टेंस जोन पर सेलर्स को एब्सेंट होना चाहिए। लेकिन ब्रेकआउट कैंडल को ध्यान से देखें, इसकी एक सेलिंग विक है जो बॉडी का करीब 50% है। इसका मतलब है कि उनमें से 50% सेलर्स हैं। बड़े हरे की वॉल्यूम स्पाइक को देखने के बाद आपने बुलिश व्यू बना लिया है, लेकिन ये वॉल्यूम स्पाइक दिखाता है कि 50% सेलर्स हैं। यहीं पर कई ट्रेडर्स का एनालिसिस गलत हो जाता है। एक और एग्जांपल को स्टडी करते हैं। इमेज 7.10 प्राइस वॉल्यूम को रिलेशनशिप इन टाटा मोटर्स। इमेज 7.10 को ध्यान से देखें और बताएं वॉल्यूम स्पाइक्स ए और बी पर आपका क्या विचार है। ए वॉल्यूम स्पाइक वाली प्राइस कैंडल में 40% बाइंग विक है, इसलिए ए वॉल्यूम स्पाइक में 40% बायर्स हैं। बी वॉल्यूम स्पाइक वाली प्राइस कैंडल में 60% के ऊपर बाइंग विक है, इसलिए बी वॉल्यूम स्पाइक में 60% बायर्स हैं। इस बड़ी गलतफहमी को दूर करने के बाद मैं समझा सकता हूं कि मैं कैसे प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप को एनालाइज करता हूं। इमेज 7.11 प्राइस वॉल्यूम एडवांस्ड एनालिसिस। इससे पहले हमने ये तय करने के लिए प्राइस का यूज करना सीखा था कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस होल्ड करेगा या नहीं। अब हम वॉल्यूम से उसी का पता लगाएंगे और बाद में हम ट्रेडिंग के फैसले लेने के लिए प्राइस और वॉल्यूम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। इमेज 7.11 LT का डेली चार्ट दिखाता है और अब प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास है। ये तय करने के लिए कि वॉल्यूम की वजह से सपोर्ट होल्ड होगा या नहीं, हमें महत्वपूर्ण वॉल्यूम से स्पाइक्स को एनालाइज करने की जरूरत है। मैंने चार्ट पर 5 महत्वपूर्ण वॉल्यूम से स्पाइक्स पर निशान लगाए हैं और मैंने इन स्पाइक्स को आगे एनालाइज किया है। स्पाइक 1, ये बुलिश दिखाता है लेकिन इसमें एक सेलिंग विक भी है और बाद में प्राइस गिर गया, इसलिए मैं इस स्पाइक को बियरिश की तरह मार्क करता हूं। स्पाइक 2, इसमें कोई बाइंग विक नहीं है और प्राइस भी बाद में गिर गया, इसलिए मैं इस स्पाइक को बियरिश की तरह मार्क करता हूं। स्पाइक 3, फिर से कोई बाइंग विक नहीं है और बाद में प्राइस भी गिर गया है, इसलिए मैं इस स्पाइक को बियरिश की तरह मार्क करता हूं। स्पाइक 4, सेलिंग विक ज्यादा नहीं और प्राइस बाद में बढ़ गया, इसलिए मैं इस स्पाइक को बुलिश की तरह मार्क करता हूं। स्पाइक 5, ये स्पाइक बहस का विषय है, इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों विक्स हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद प्राइस गिर गया, इसलिए मैं इस स्पाइक को न्यूट्रल मार्क करता हूं। अब यहां कुल 5 वॉल्यूम स्पाइक्स हैं। 5 में से 3 बियरिश वॉल्यूम स्पाइक्स, 1 बुलिश स्पाइक और 1 न्यूट्रल स्पाइक है, इसलिए यहां सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर प्राइस ब्रेक का काफी चांस है। आप इमेज में रिजल्ट देख सकते हैं। इमेज 7.12 प्राइस वॉल्यूम एडवांस्ड एनालिसिस रिजल्ट। मुझे आशा है कि ये इंफॉर्मेशन यूजफुल है। यदि आप प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज द प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी गाइड कोर्स को देखने के बारे में सोचें। द 4 पिलर्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। ज्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को ही ज्यादा महत्व देते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते हैं। प्लीज ऐसा करने की इतनी बड़ी भूल ना करें। सक्सेसफुल ट्रेडिंग के 4 पिलर हैं। 1, टेक्निकल एनालिसिस। 2, मनी मैनेजमेंट। 3, साइकोलॉजी। 4, एग्जीक्यूशन। इमेज ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। ये सभी कॉन्सेप्ट कार के 4 पहियों की तरह हैं और किसी भी एक पहिए के बिना आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं पा सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए सभी कॉन्सेप्ट्स को बराबर इंपॉर्टेंस दें। पिलर 1, टेक्निकल एनालिसिस। सादे वर्ड्स में आपने पिछले चैप्टर में जो कुछ भी सीखा है वो टेक्निकल एनालिसिस का एक छोटा पहलू है। टेक्निकल एनालिसिस पुराने डेटा को कई तरीके से एनालाइज करके स्टॉक या इंडेक्स के भविष्य में प्राइस मूवमेंट प्रिडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक मेथड है। टेक्निकल ट्रेडर्स का मानना है कि करंट और पहले के प्राइस एक्शन फ्यूचर में प्राइस मूवमेंट का अंदाजा लगाने का सबसे भरोसेमंद टूल है।
वो ट्रेडिंग से जुड़े फैसले लेने के लिए किसी भी फंडामेंटल जानकारी का यूज नहीं करते हैं। टेक्निकल ट्रेडर्स प्राइस को एनालाइज करने के लिए प्राइस चार्ट्स का यूज करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट सबसे ज्यादा पसंद है, इंडिकेटर्स थाउजेंड्स हैं और वॉल्यूम का अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस, वॉल्यूम प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो। पिलर टू, मनी मैनेजमेंट। यहां तक कि एक खराब ट्रेडिंग सिस्टम भी अच्छे मनी मैनेजमेंट से पैसा कमा सकता है। जैक डी श्वेकर। मनी मैनेजमेंट ऐसे रूल्स का सेट है जिससे जरूरत के हिसाब से पोजीशन साइज में बांटा जाए ताकि ट्रेड में अच्छे रिटर्न कायम रहे और जोखिम कम हो सके। इसके कई तरीके हैं, लेकिन सही तरीका हमेशा नुकसान कम करना और प्रॉफिट को अधिक रखना पर फोकस करते हैं। किसी भी मनी मैनेजमेंट मेथड को चुनने से पहले ये जरूरी है कि अपने आप से पूछें कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं, क्योंकि ये खास मेथड पोजिशनल ट्रेडर्स को सूट करता है और दूसरा मेथड इंट्राडे ट्रेडर्स या स्कैल्पर्स को सूट करता है। मैं दोनों टेक्निक्स को समझाऊंगा, लेकिन अपने ट्रेडिंग स्टाइल के आधार पर वो तरीका चुनें जो आपके ट्रेड को सूट करता हो। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, हर एक ट्रेड के लिए अपने कैपिटल का 10% अलॉट करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास 1,00,000 रुपए का कैपिटल है तो स्क्रिप्ट एक्स वाई जेड को ट्रेडिंग के लिए फाइनलाइज करें और मान लें कि एक्स वाई जेड का CMP 100 रुपए है। तब आपकी कैपिटल का 10% 10,000 रुपए है, तो आप 10,000/100 बराबर एक्स वाई जेड के 100 शेयर खरीद सकते हैं। इस अप्रोच को यूज करते हुए हर ट्रेड में आपका पूरा कैपिटल परसेंटेज रिस्क 0.5% से 2% के बीच रहेगा। आपका स्टॉप लॉस कितना डीप है इसके आधार पर जो काफी है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, किसी भी ट्रेडिंग दिन में हर ट्रेड पर सिर्फ 2% जोखिम लें। इसके अलावा किसी भी ट्रेडिंग दिन पर 5% से ज्यादा नुकसान नहीं करें, जिसका मतलब है कि आपको किसी भी ट्रेडिंग दिन में 2-3 ट्रेड से ज्यादा नहीं करना चाहिए। कई ट्रेडर्स पोजिशनल ट्रेड्स के लिए भी अपने कैपिटल का सिर्फ 1-2% जोखिम लेने का सुझाव देते हैं और वो कैपिटल पर ऊपरी लिमिट नहीं लगाते हैं। ये पोजिशनल ट्रेड्स को करते समय कुछ कन्फ्यूजन लाता है। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ। मान लें कि आपकी कैपिटल 1,00,000 रुपए है। आप हर पोजिशनल ट्रेड में अपने कैपिटल पर 2% के जोखिम उठाने का प्लान बना रहे हैं, जो कि 2,000 रुपए पर ट्रेड है। आपने एक स्क्रिप्ट XYZ को 1,000 पर एंट्री और 990 पर SL शॉर्ट लिस्ट किया है। फिर बाइंग के लिए शेयरों की टोटल नंबर 2,000/10 बराबर 200 शेयर रहेगी। 200 शेयर खरीदने के लिए जरूरी कैपिटल बराबर 200x रुपए 1,000 बराबर 2,00,000 रुपए। लेकिन आपके अकाउंट में 2,00,000 रुपए का कैपिटल नहीं है, है ना? तो सीधा तरीका यह है कि अपनी कैपिटल का सिर्फ 10% एक पोजिशनल ट्रेड पर लगाया जाए। ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए कई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ये प्रॉब्लम तब नहीं आएगी अगर कोई ट्रेडर आगे चलकर पोजिशनल ट्रेड्स का प्लान कर रहा है, क्योंकि लेवरेज एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत का ध्यान रखेगा, लेकिन ओपनिंग रिस्क के बड़े गैप को देखने की जरूरत है। इंट्राडे ट्रेडर्स को भी इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उनमें ज्यादातर ट्रेड को फ्यूचर्स या ऑप्शंस में लेते हैं। दोनों ही मामलों में लिवरेज मिल सकता है और ये एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत, सादे शब्दों में कहें तो पोजिशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड पर अपनी कैपिटल का 10% डिप्लॉय करें। इंट्राडे ट्रेडर्स हर ट्रेड के लिए अपने कैपिटल का सिर्फ 2% रिस्क लें। पिलर थ्री, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब है वो मेंटल फैक्टर्स या इमोशंस जो किसी सिचुएशन या काम को गवर्न करते हैं। इसलिए जब हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं तो ये ट्रेडिंग को गवर्न करने वाले मेंटल फैक्टर्स पर लागू होता है। ट्रेडिंग के इर्द गिर्द घूमने वाली 4 मेन इमोशंस लालच, डर, अफसोस और उम्मीद हैं। प्लीज ध्यान दें, ये सभी फैक्टर्स नॉलेज की कमी की वजह से उभर कर आते हैं। ग्रीड, हर ट्रेड से ज्यादा प्रॉफिट पैदा करने के लिए जबरदस्ती का एटीट्यूड रखना ग्रीड है। हम कुछ ट्रेडर्स में पैसा खो देते हैं, कुछ ट्रेड्स में
छोटा प्रॉफिट बनाते हैं और सिर्फ कुछ ही ट्रेड्स में बड़ा प्रॉफिट मिलता है। एक ट्रेडर बिना प्रॉफिट के मार्केट में जी सकता है, लेकिन बिना कैपिटल के नहीं। कैपिटल को बचाना पिवटल है और अगला इंपॉर्टेंट पहलू लगातार प्रॉफिट कमाना है। फ्रेंडली एडवाइस, सिर्फ मॉनेटरी गोल्स ना रखें, प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स रखें। कैपिटल को बचाए रखने के बारे में सोचें और मार्केट में ज्यादा समय के लिए बने रहने के बारे में सोचें। फियर, आपके मन में ज्यादातर फियर आपके पिछले बुरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से पैदा होते हैं। जैसा कि आप एक ब्रेकआउट ट्रेड लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका माइंड ट्रिगर दबाने से हेसिटेट करता है, जिसका मतलब है कि पास्ट में आपने किसी ब्रेकआउट ट्रेड में मनी को खोया है और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ब्रेकआउट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को दर्द के साथ स्टोर कर लिया है, इसलिए आपके मन में हेजिटेशन है। कुछ मामलों में आपकी अपब्रिंगिंग की वजह से भी फियर पैदा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने बड़े होते हुए ये मान लिया है कि बिजनेस खराब है, तब आपको ट्रेडिंग में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ट्रेडिंग में फियर से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, ट्रेडिंग में कन्विक्शन बढ़ाना। इसके लिए आप अपने सिस्टम की ज्यादा आइडियाज के लिए बैक टेस्टिंग करके ट्रेडिंग पर स्पेसिफिक नीश बुक्स पढ़कर या कोई पर्टिकुलर ट्रेडिंग कोर्स करके पा सकते हैं। अगर आपको अपनी अपब्रिंगिंग से जुड़ा कोई फियर है, तो उसे पहचानना और उसे मानना सबसे बड़ा कदम है। फिर आप अपने फियर से छुटकारा पाने के लिए सिंपल मेथड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि अफर्मेशंस या प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। अगर ये इशू अभी भी बना रहता है, तो आप मेंटल कोच या हिप्नोटिस्ट की सलाह ले सकते हैं। फ्रेंडली एडवाइस, अपने ट्रेड का प्लान बनाएं और प्लान का ट्रेड करें। रिग्रेट, ट्रेडिंग में हमारे रिग्रेट कभी खत्म नहीं होते हैं। अगर आप किसी ट्रेड से बाहर निकलते हैं और प्राइस फेवरेबल डायरेक्शन में चला जाता है, तो आप एग्जिट डिसीजन को रिग्रेट करते हैं। अगर आप किसी ट्रेड से प्रॉफिट नहीं लेते हैं और फिर ट्रेड नेगेटिव जोन में टर्न लेता है, तो एक ट्रेडर एग्जिट ना करने के डिसीजन पर रिग्रेट करता है। फ्रेंडली एडवाइस, एक, अपने डिसीजन से सेटिस्फाइड रहें। दो, सीखते रहें और दिन ब दिन ट्रेड बाय ट्रेड इम्प्रूव करें। तीन, अपनी चॉइसेस पर रिग्रेट करने में अपनी एनर्जी खर्च ना करें, अगर वो आपके ट्रेडिंग प्लान के साथ लाइन में हैं। होप, एक ट्रेडर जैसे ही कुछ मिरेकल होने की उम्मीद करने लगता है, वो अपने ट्रेडिंग प्लान से भटक जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक ट्रेडर 100 पर स्टॉक खरीदने का साथ ही स्टॉप लॉस लेवल 98 और 104 लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का प्लान बनाता है। प्राइस 100 हो गया और वो ट्रेड में है। कुछ समय बाद प्राइस 104 हो जाता है, लेकिन उसने प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि वो होप करने लगता है कि शॉर्ट कवरिंग कभी भी मार्केट में आ जाएगी और ये उसकी पोजीशन को मैसिव प्रॉफिट पर ले जाएगी। अब मार्केट ने यू टर्न ले लिया है, हमारा स्टॉक प्राइस वापस 99 पर आ जाता है और अब वो एक रिबाउंड की होप करने लगा है। प्राइस 98 से नीचे गिरता है, लेकिन वो लॉस को बुक नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि एक रिबाउंड बस आसपास ही है। प्राइस अब 96 है और वो अभी भी एक रिबाउंड की उम्मीद में जी रहा है। इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि उसने अपने ट्रेडिंग प्लान पर कंट्रोल खो दिया है। प्री डिसाइड स्टॉप लॉस और टारगेट दो ऐसे पॉइंट हैं जहां हमें एक्ट करने की जरूरत है। जब हम उन पॉइंट्स पर पहुंचने पर एक्शन नहीं लेते हैं, तो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है और उसके बाद हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो होप पर बेस्ड है, जो वीकनेस का साइन है। फ्रेंडली एडवाइस, एक्शन पॉइंट्स स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ तैयार रहें और अपने ट्रेड के प्लान के हिसाब से काम करें। मार्केट बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता रहता है, प्लीज किसी ट्रेड को होप पर डिपेंड नहीं करने दें और फिर बाद में होपलेस हो जाएं। निगेटिव थिंग्स ट्रेडर की साइकोलॉजी पर असर डालती हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप एक ट्रेडर की तरह कितने स्किल्ड पर्सन हैं, आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं पा सकते हैं अगर अपने माइंड में निगेटिव थॉट्स भर लेते हैं। अब मैं आपको अपने माइंड से निगेटिव थॉट्स को दूर करने के कुछ तरीके बताता हूं। स्टार्ट पॉजिटिव।
अपने दिन की शुरुआत कुछ समय के लिए एक पॉजिटिव कोट से या बुक से पढ़कर करें, या कोई पॉजिटिव या मोटिवेशनल वीडियो देखें। जब आप सुबह सुबह पॉजिटिव थॉट सोचते हैं तो आपका माइंड पूरे दिन इन पॉजिटिव वाइब्रेशंस को कैरी करता है। आप पूरे दिन एनर्जेटिक और हैप्पी रहेंगे। ग्रेटिट्यूड। हम हमेशा उन ऑब्जेक्ट्स या लोगों के बारे में सोचते हैं जो हमारी लाइफ में मौजूद नहीं हैं। ये हमेशा हमारे मन में दुख या इनकम्प्लीटनेस पैदा करता है। जो चीज़ें या लोग आप चाहते हैं उनके बारे में सोचना अच्छा है, लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स या लोगों के बारे में ग्रेटिट्यूड दिखाना उससे ज़्यादा क्रिटिकल है जो उस समय आपके पास हैं। हर रात सोने से पहले उन सभी चीज़ों और लोगों के बारे में सोचें जो अभी आपकी लाइफ में हैं, और इन सब चीज़ों के लिए खुश रहें। ये बिहेवियर माइंड में कंप्लीटनेस और हैप्पीनेस लाता है, और ये आगे के गोल अचीव करने के लिए आपका एनर्जी लेवल बढ़ा देता है। टीवी या मोबाइल, हो सके तो सोने जाने से पहले टीवी देखने या मोबाइल का इस्तेमाल करने से बचें। लेटेस्ट स्टडीज के हिसाब से टीवी या मोबाइल की तेज रोशनी ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। ये मेलाटोनिन का सेक्रेशन इफेक्ट करता है, जो हार्मोन क्वालिटी स्लीप के लिए जरूरी है। लैक ऑफ क्वालिटी स्लीप माइंडसेट को नुकसान पहुंचाता है। फाइट्स गॉसिपिंग और आर्ग्यूमेंट्स हमारे निगेटिव थॉट्स का सिग्निफिकेंट सोर्स हैं। अगर आप गुस्सा हैं तो किसी पर्सन से कन्वर्सेशन करने से बचें, और रिलैक्स होने के लिए कुछ टाइम ऑफ लेना अच्छा रहेगा। जब आप एक बार अपने एंग्री मूड से बाहर आ जाएं, तो डिस्कशन के लिए थॉट्स बनाएं और फिर उस पर्सन से डिस्कशन कंटिन्यू करें। गॉसिपिंग से किसी का फायदा नहीं होगा। इस समय का यूज अच्छी बुक पढ़ने में या किसी और हॉबी में लगाएं। पिलर 4, एग्जीक्यूशन। हाउ वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। 1931 में टेड, एक फार्मासिस्ट, और उनकी वाइफ डोरोथी, एक फार्मर टीचर ने टाउन ऑफ वॉल में साउथ डकोटा US में एक छोटा ड्रग स्टोर खरीदा। वो एक छोटे से विलेज में बसना चाहते थे जहां एक अच्छा स्कूल और एक अच्छा चर्च दोनों थे। वॉल इन जरूरतों को पूरा करता था, और इसलिए उन्होंने वॉल में अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक छोटा ड्रग स्टोर खरीदा। कई टूरिस्ट वॉल की सड़कों पर ट्रेवल कर रहे थे, हालांकि उनकी मेडिकल शॉप पर कोई नहीं आ रहा था। गर्मी का मौसम शुरू हुआ और टेड और डोरोथी की उम्मीदें कम होने लगी। मेन प्रॉब्लम ये थी कि मेन रोड से टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। टेड और डोरोथी को एक एक्सीलेंट आइडिया आया। जो कोई भी उनकी दुकान में आता था, उन्होंने उसे कोल्ड वाटर सर्व करना शुरू किया। उन्होंने मेन रोड पर वॉल ड्रग स्टोर का रूट मैप दिखाते हुए और कोल्ड वाटर की अवेलेबिलिटी बताते हुए कुछ साइन बोर्ड्स भी लगवा दिए। इसी आइडिया के साथ उनका बिजनेस बढ़ने लगा, और आज इसकी शॉप्स पूरी दुनिया भर में हैं। आज वॉल ड्रग स्टोर की सभी ब्रांचेस दुकान में आने वाले किसी भी आदमी को कोल्ड वाटर सर्व करती हैं। उनके ओवरऑल प्रॉफिट्स को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बिलबोर्ड्स पर हर साल $4,00,000 से ज़्यादा खर्च करते हैं। ट्रेडिंग में और डिसिप्लिन लाने के लिए आपका नया आइडिया क्या है? याद रखें, एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन अल्टीमेट गोल है। मान लीजिए उसके पास बहुत अच्छा पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी सिस्टम और क्लियर मनी मैनेजमेंट रूल्स हैं। इस केस में आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक पैसा कमा सकते हैं, अगर आप सभी मार्केट कंडीशंस में प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग। ट्रेडिंग फॉर फन एंड ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग में बहुत बड़ा फर्क है। ट्रेडिंग फॉर फन बेडरूम में कूजी बेड पर बच्चों की आपसी सिली फाइट की तरह है। ट्रेडिंग फॉर ए लिविंग एक फियर्स फाइट की तरह है, जो आपके और माइक टायसन, मोहम्मद अली, रॉकी, मैनी, इन लोगों के बीच एक साथ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रेडिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है, कोई भी इसमें एंटर कर सकता है और गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है। जब आप कोई ट्रेड करते हैं तो हमेशा याद रखें कि आप बहुत से ऐसे लोगों से फाइट कर रहे हैं जिन्होंने इस बिजनेस में डेकेड्स बिताए हैं। कोई भी ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग को अपना प्लान इसलिए नहीं बनाएं क्योंकि आपने ट्रेडिंग में सक्सेस का थोड़ा सा स्वाद चखा है। मैं आपको हेल्पफुल गाइडलाइंस बताता हूं अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली अपना प्रोफेशन बनाने की सोच रहे हैं।
एक, पैसिव इनकम। मैंने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में सिर्फ एक को छोड़कर बहुत कुछ सीखा है, जो है कि कैसे बिना टाइम एंड मनी लगाए पैसे कमाया जाए। इस आर्ट को पैसिव इनकम कहते हैं। आपको तभी कुछ पैसिव इनकम सोर्स का प्लान बनाना चाहिए जब आपके पास डिसेंट जॉब हो। कुछ पैसिव इनकम सोर्स होने से लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यह हर महीने ट्रेडिंग के जरिए कुछ मनी जनरेट करने का प्रेशर कम करेगा, जो आपके मंथली बिल्स पे करने के लिए चाहिए। मुझे यकीन है कि हर किसी में कुछ न कुछ टैलेंट या पैशन किसी न किसी एक्टिविटी के लिए होता है। अगर आप कुछ फोकस करते हैं और थोड़ा एक्सपर्टाइज पा लेते हैं, तो आप पैसिव सोर्स इनकम में जोड़ सकते हैं। मुझे पता है कि हर कोई अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता है और एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है, लेकिन हम में से बहुत से लोग आज कुछ छोटा शुरू करने का फैसला कर सकते हैं, जिसे हमसे छीना नहीं जा सकता। मैं आपको कुछ हिंट दे सकता हूं। अगर आप फोटोग्राफी में अच्छे हैं, तो आप अपनी अच्छी फोटोज ऑनलाइन अपलोड करें। कई पोर्टल्स अच्छी फोटोज के लिए पे करते हैं। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए चेक करें submit.shutterstock.com, freeimages.com, pixabay.com, gettyimages.in, istockphoto.com। अगर आप क्रिएटिव हैं, तो आप ई बुक्स के लिए कवर पेज डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेज़न अपने KDP प्रोजेक्ट को लेकर कितना एम्बिशियस है? मेरे शब्दों को नोट करें, आप अगले कुछ सालों में बहुत सारी ई बुक्स देखेंगे और उन सभी ई बुक्स के लेखकों को अट्रैक्टिव कवर फोटोज की जरूरत होगी। वैसे इस बुक का कवर पेज भी उसी तरीके से बनाया गया है, वो उसका साइड हसल है। और अपॉर्चुनिटीज के लिए www.fever.com देखें। अगर आप वीडियो एडिटिंग में अच्छे हैं, तो यूट्यूबर्स की मदद करें। कई सक्सेसफुल लोग अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो अपना समय यूं ही बिता रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि वीडियो को कैसे एडिट किया जाए। अगर आप कुछ सिखाने में अच्छे हैं, तो www.udemy.com या www.unbrainpro.com पर कोर्स बनाएं। अगर कंटेंट अच्छा है, तो ये आपको पैसे दिलाएगा, तब भी जब आप सो रहे हैं। मान लीजिए कि आप योगा और मेडिटेशन में अच्छे हैं, आप इसे ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। पूरी दुनिया आपकी टारगेट ऑडियंस है, क्योंकि हर कोई COVID-19 के कारण अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहा है। मेरी तरह आप भी सेल्फ हेल्प बुक लिख सकते हैं, अगर कंटेंट यूजफुल है और अगर आप थोड़ी मार्केटिंग करते हैं, तो आप हर महीने कुछ पैसे पा सकते हैं। दो, जीरो डेब्ट्स। यदि आपकी किसी लोन की मंथली कमिटमेंट EMI है, तो यह आपके ट्रेडिंग करियर पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालेगा, क्योंकि आपको हर महीने ये अमाउंट क्रिएट करना है। कभी कभी मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, या अगर आप मार्केट में पैसा बनाने में फेल होते हैं, तो आपके माइंड में एक्स्ट्रा प्रेशर बनता है, जो ट्रेडिंग डिसीजंस पर असर डालता है। इससे पहले कि आप ट्रेडिंग को फुल टाइम बिजनेस की तरह करने की सोचें, अपने सारे पेंडिंग लोन्स को चुकाना बेहतर रहेगा। तीन, सेविंग्स। किसी को भी कम से कम परिवार को साल भर चलाने के लिए इनफ पैसा बचाना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको अपने परिवार के एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए 1,00,000 या $2,000 अप्रोक्स पर मंथ की जरूरत है, तो आपको ट्रेडिंग को फुल टाइम बिजनेस लेने से पहले 12,00,000 या $24,000 अप्रोक्स सेव करने होंगे। इस अमाउंट को आपके ट्रेडिंग कैपिटल से बाहर रखा गया है, जो आपकी ट्रेडिंग के लिए जरूरी है। इस केस में आपके ट्रेडिंग के रिजल्ट्स आपके माइंडसेट पर असर नहीं डालेंगे, और साथ ही आप पर अपने फैमिली मेंबर्स का कोई भी इमोशनल प्रेशर नहीं होगा। चार, ट्रेडिंग रिजल्ट्स। जब कोई बिगिनर कुछ क्विक मनी बना लेता है, तो उसे ट्रेडिंग बहुत आसान लगती है। हालांकि आपको ये रियलाइज करना होगा कि मार्केट कंडीशंस हमेशा डायनेमिक रहती हैं, और मार्केट में कंसिस्टेंट मनी बनाने के लिए बहुत स्किल्स की जरूरत होती है। इसलिए बेहतर है कि हम फुल टाइम ट्रेडर बनने के एक्सट्रीम कदम लेने से पहले अपनी ट्रेडिंग सक्सेस मेजर कर लें। अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर के रूप में माने जब आप ट्रेडिंग प्रॉफिट से कम 6 महीने की करंट सैलरी कमाते हैं,
और आप ट्रेडिंग में लगातार 3 महीने तक प्रॉफिट कमाते हैं। 5, ट्रेडिंग कैपिटल। सिर्फ ये पैरामीटर्स काफी नहीं है कि आप करंट जॉब को छोड़कर ट्रेडिंग में जाएं। मार्केट में प्रॉफिट्स बनाने के लिए आपके पास एडिक्वेट ट्रेडिंग कैपिटल भी होनी चाहिए। अगर आप हर महीने 10% रिटर्न्स बना सकते हैं, किसी भी ट्रेडिंग एक्सपर्ट के हिसाब से हर महीने 10% अच्छा रिटर्न है। आपको कम से कम 10 लाख या 20,000 USD अप्रॉक्स अपने ट्रेडिंग कैपिटल के लिए चाहिए। अगर आपका महीने का एक्सपेंस करीब करीब 1 लाख या 2,000 USD अप्रॉक्स है। अ स्मॉल कॉशन, फुल टाइम ट्रेडिंग के सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं कि अपने काम में यू आर द बॉस और आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना है। आमतौर पर हर काम पर रिपोर्टिंग स्टाइल के आदि होते हैं और ये फ्रीडम आपके खिलाफ काम कर सकती है अगर आपके पास सीरियस ट्रेडिंग प्लान्स और गोल्स नहीं हैं। जब आप फुल टाइम ट्रेडर बने तब आगे बताया जाने वाले पॉइंट्स अपने माइंड में रखें। ट्रेडिंग डेज में किसी भी रीजन से ब्रेक नहीं लेना चाहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कभी भी आ सकती हैं। इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए सभी ट्रेडिंग डेज पर तैयार रहना चाहिए। मार्केट में आपकी लेजीनेस आपको महंगी पड़ सकती है। ट्रेडिंग आपका बिजनेस है और आपको मार्केट खुलने से पहले बिजनेस पर्सन की तरह तैयार रहना चाहिए। आपको अपनी एक्सरसाइज, मेडिटेशन, बात वगैरह मार्केट ओपन देखने से पहले फिनिश करना होगा। अगर आप घर पर रहकर मार्केट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं तो किसी ऑफिस में सिंगल सीट डेस्क किराए पर ले सकते हैं। आजकल आप मंथली रेंट पर सिंगल सीट डेस्क ले सकते हैं जिसमें इंटरनेट कनेक्शन, डेस्क पर मेंटेनेंस, कॉफी वगैरह शामिल है। सभी सक्सेसफुल ट्रेडर्स ट्रेडिंग जर्नल रखते हैं और इसलिए यह अच्छा आइडिया है कि आप ट्रेड को एंट्री, एग्जिट, SL, प्राइस वगैरह नोट करें। आपको समय समय पर इन ट्रेड्स को रिव्यू करना चाहिए और अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इवेल्युएट करना चाहिए। आमतौर पर सभी प्रोफेशंस में हमारे पास सपोर्टिंग एनवायरनमेंट होता है, हालांकि ट्रेडिंग में ऐसा एनवायरनमेंट होना आसान नहीं है। इसलिए आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का एक सर्किल डेवलप करना चाहिए और मंथली गैदरिंग्स या अदर मीटिंग्स में शामिल होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो ट्रेडिंग के मेजर इवेंट जैसे ट्रेडर्स कार्निवल, एक्सपर्ट के सेमिनार वगैरह अटेंड करें। हाउ टू मेक मनी इन ट्रेडिंग विदाउट क्विटिंग योर 9-to-5 जॉब। किसी भी एस्टेब्लिश्ड ट्रेडर से पूछें कि उसके लिए उनकी सबसे इंपॉर्टेंट टिप उन लोगों के लिए क्या है जो लोग फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो हर एक यही सजेस्ट करता है, करंट जॉब को इमीडिएटली नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आपके पास 9-to-5 का जॉब है तब भी आप ट्रेडिंग में स्पेसिफिक स्टेप्स को फॉलो करके कुछ पैसिव इनकम बना सकते हैं। ये स्टेप्स आपकी ट्रेडिंग स्किल्स में 9-to-5 तक काम करते हुए इम्प्रूव करने में और लाइफ एंजॉय करने में मदद करते हैं। लेकिन किसी भी पर्सन को ट्रेडिंग में बेटर रिजल्ट्स के लिए रोड ब्लॉक्स को पार करना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ट्रेडिंग डिसीजन लेने के बारे में है, बाई करें या सेल करें, और आपको उनके डिसीजंस के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ऑफिस की तरह आप मैनेजमेंट या कलीग्स को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। वन मैन बैटल, ज्यादातर समय आप ट्रेडिंग में अकेले होंगे। ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गंवा देते हैं, इसलिए अगर आप एक ग्रुप में रहने की कोशिश करते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको बैड ट्रेड रिजल्ट्स मिलें। ग्रुप से अलग रहना और अपनी ट्रेडिंग पर फोकस करना बेहतर है। मोटिवेशन, ट्रेडिंग में अपनी इंस्पिरेशन खुद ढूंढनी होगी। ट्रेडिंग में किसी को टारगेट रिपोर्ट्स या परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट्स नहीं मिलती हैं। इसके अलावा आपके काम को मॉनिटर करने वाला कोई बॉस नहीं होगा। यहाँ पर मार्केट ही सुप्रीम बॉस है और यहाँ किसी को भी उसकी मेरिट के हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ 8 स्टेप्स और टिप्स दी गई हैं जो आपको अपनी 9-to-5 नौकरी के साथ काम करते हुए ट्रेडिंग में पैसे कमाने में मदद करेंगे। 1, सही ट्रेडिंग सिस्टम चुनें। सही ट्रेडिंग सिस्टम का सूटेबल टाइम फ्रेम के साथ होना जरूरी है जो आपकी पर्सनैलिटी और शेड्यूल को कंप्लीमेंट करता हो।
एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी 9 to 5 की जॉब में आपका शेड्यूल टाइट है, तो 5 मिनट के लिए चार्ट में ट्रेड अपॉर्चुनिटीज तलाश करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5 कोई मतलब नहीं है क्योंकि 5 मिनट का चार्ट ज्यादा स्क्रीन टाइम की मांग करता है, और आपके वर्क शेड्यूल के साथ आप अपने काम और ट्रेडिंग के साथ जस्टिस नहीं कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज हर टाइम फ्रेम में मौजूद होती हैं। कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन सुटेबल टाइम फ्रेम को चुनेगा, प्रॉपर ट्रेड सेटअप का वेट करेगा और मनी मैनेजमेंट लिमिट्स में रहते हुए ट्रेड मैनेज करेगा। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए 2 जरूरी सुटेबल ट्रेडिंग मेथड्स हैं, 1 पोजिशनल ट्रेडिंग और 2 इंट्राडे ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग ये एक टाइप की ट्रेडिंग है जिसमें ट्रेडर कुछ दिनों या वीक्स के लिए पोजीशंस ओवरनाइट कैरी करता है। BTST ट्रेड्स, STBT ट्रेड्स या कोई और ट्रेडिंग टाइप जिसमें कुछ दिनों से कुछ वीक्स तक होल्डिंग पीरियड हो, वो भी पोजिशनल ट्रेडिंग में आ जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग ये एक टाइप की ट्रेडिंग है जिसमें आपको उसी दिन ट्रेड क्लोज करना होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग को 100% स्क्रीन टाइम की मांग होती है, लेकिन ये सही नहीं है। अगर आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम है तो इस स्क्रीन टाइम को टूल्स यूज करके 75% कम किया जा सकता है, जैसे कि अलर्ट मैकेनिज्म यूजिंग SLM, ट्रिगर ऑर्डर या पार्शियल या फुल ऑल्गो ट्रेडिंग। Tip 1, अपने वर्क शेड्यूल की जांच करें और तय करें कि आप इंट्राडे ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग चुनते हैं तो प्लीज नोट करें कि आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी और इसलिए नॉइस एंड फेलियर रेट भी ज्यादा होगा। 2, राइट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट चुनें। स्टॉक मार्केट में हमारे पास 3 ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 1 इक्विटी, 2 फ्यूचर्स, 3 ऑप्शंस। इसलिए एक ट्रेडर को पता होना चाहिए कि ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम करते हैं। आइए इसे बेहतर समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लें कि एक ट्रेडिंग अकाउंट में 3,30,000 या 3.3 लाख है। ACC करंट मार्केट प्राइस CMP 1,620 है। मान लें कि ACC अगले 2 ट्रेडिंग दिनों में 5% 81 पॉइंट्स ऊपर चला गया। एक्सप्लेनेशन सेक। केस 1, इक्विटी। 3.30 लाख से कोई 203 शेयर्स खरीद सकता है। 5% अपसाइड मूवमेंट के कारण 16,443 प्रॉफिट हुआ। 203 शेयर्स एक्स 81 पॉइंट्स कैपिटल पर ROI 5% है। केस 2, फ्यूचर्स। 3.30 लाख से एक ट्रेडर एक लॉट 500 शेयर्स खरीद सकता है। आप फ्यूचर डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हैं। 5% अपसाइड मूवमेंट के कारण 40,500 QTY एक्स 81 प्रॉफिट हुआ। कैपिटल पर ROI 12% है। केस 3, ऑप्शंस। 3.30 लाख के साथ आप ACC के 1700 CE की 7500 क्वांटिटी खरीद सकते हैं। 42 पर प्रीमियम मानते हुए 5% अपसाइड मूवमेंट के कारण 2,43,000 अप्रॉक्स 40% पर प्रॉफिट हुआ। कैपिटल पर ROI 74% है। ROI सभी 3 ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स में काफी अलग होता है। इमेज, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन स्टॉक मार्केट। प्लीज ध्यान दें कि यह एक्सप्लेनेशन ट्रेडिंग में ऑप्शंस एनकरेज करने के लिए नहीं है। F&O ट्रेडिंग में हाईएस्ट रिस्क लेवल्स रहता है, और पहले बताए गए डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि कैसे तीनों ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स अलग डिग्रीज में रिस्क और रिवॉर्ड ऑफर करते हैं। Tip 2, अपनी ट्रेडिंग इक्विटी के साथ शुरू करें। अगर आप फेल भी होते हैं तो भी आप कम पैसे खोएंगे। फ्यूचर्स तभी ट्राई कर सकते हैं जब इक्विटी ट्रेडिंग के साथ प्रॉफिटेबल हो। इसी तरह किसी को ऑप्शंस तभी ट्राई करने चाहिए जब वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के साथ प्रॉफिटेबल हो। प्लीज नोट करें कि ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स
आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स को बढ़ाते हैं। 3. अवॉइड सिस्टम होपिंग। एक आदमी कार चलाना सीखना शुरू करता है, आज वो एक कार से शुरू करता है, सभी बेसिक्स सीखता है, कल वो यही प्रोसेस किसी और कार पर सीखना शुरू करता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। हर रोज वो डिफरेंट कार पर सीखना जारी रखता है। क्या आपको लगता है कि वो अपना द लर्निंग प्रोसेस पूरा कर रहा है? ये बेहतर होता है कि वो एक ही कार से जुड़ा रहता जब तक वो पूरी तरह से कार चलाना सीख नहीं लेता और अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी कार चला सकता। लेकिन जब ट्रेडिंग की बात आती है तो बहुत से लोग इस प्रोसेस को भूल जाते हैं। लोग एक इंडिकेटर या एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं और कुछ समय के लिए इसे आजमाते हैं। जब उन्हें कुछ फेलियर्स मिलते हैं तो वो तुरंत दूसरा सिस्टम यूज करना शुरू कर देते हैं या अपने ट्रेडिंग सिस्टम में एक और इंडिकेटर जोड़ने लगते हैं, ये सोचकर कि ये इसे ठीक कर देगा। ये एक विशियस साइकिल है। आपको लिविंग बनाने के लिए केवल एक पैटर्न की जरूरत है। लिंडा रेश्के। आप कंप्लीट बैक टेस्टिंग के बाद ट्रेडिंग सिस्टम को फाइनलाइज कर सकते हैं। अगर सिस्टम लॉन्ग रन में पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी दिखाता है तो इसे ट्रेडिंग में डिप्लॉय किया जा सकता है, लेकिन इंश्योर करें कि किसी भी ट्रेड में आपकी कैपिटल का 2% से ज्यादा लॉस ना हो। इमेज प्रॉफिट्स इन ट्रेडिंग। टिप 3, एक साल के लिए अपने ट्रेडिंग सिस्टम को ना बदलने की कसम लें। हर मिस्टेक को स्टडी करें, हर मिस्टेक के पीछे के रूट कॉज को पहचानें और अगली बार अपनी ट्रेडिंग में उस मिस्टेक से बचें। 4. इम्प्रूव ट्रेडिंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब है किसी भी सिचुएशन या एक्टिविटी में मेंटल फैक्टर्स या इमोशंस को गवर्न करना। इसलिए जब हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं तो ये ट्रेडिंग को गवर्न करने वाले कॉग्निटिव फैक्टर्स पर लागू होता है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में 4 प्राइमरी इमोशंस हैं, ग्रीड, फेयर, रिग्रेट और होप। मान लीजिए एक ट्रेडर अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर ज्यादा कन्विक्शन पाने के लिए काम करता है और साइकोलॉजी को इम्प्रूव करता है। अननेसेसरी ट्रेड से बचने के लिए, राइडिंग प्रॉफिट्स के लिए और मनी मैनेजमेंट रूल्स को मानने के लिए, उस केस में ये इश्यूज अपने आप खत्म हो जाते हैं। टिप 4, ट्रेडिंग सिस्टम की तुलना में साइकोलॉजी क्रूशियल रोल प्ले करती है। एफर्मेशंस जो आपके पास जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड डेवलप करना और मेडिटेशन बेहतर माइंडसेट पाने में और बेहतर ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। 5. लर्न टू फेस फेलियर्स। कोई भी माता पिता अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में एक ही कॉमन बात सोचते हैं, फेलियर इज बैड। इसलिए कोई भी माता पिता अपने बच्चों को किसी भी एग्जाम में फेल होते हुए नहीं देख सकते हैं, इसलिए वो सभी तरीकों से इंश्योर करते हैं कि उनके बच्चे हर एग्जाम में पास हों। इस तरह की अपब्रिंगिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फेलियर इज अनएक्सेप्टेबल सेव कर देती है। इस एक कारण से कई ट्रेडर्स को बुरा लगता है, कभी कभी पैथेटिक। भले ही वो किसी ट्रेड में थोड़ा सा पैसा खो दें, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो उस पैसे को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पर ऐसा इसलिए है क्योंकि फेलियर को डाइजेस्ट करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इस समय में उनमें बदले का एटीट्यूड डेवलप हो जाता है और मार्केट से जल्दी पैसा वापस कमाने के लिए वो और ट्रेड करते हैं या हर ट्रेड पर ज्यादा रिस्क लेते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि वो आखिर में और ज्यादा पैसा हार जाते हैं। इमेज टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, लर्न टू डाइजेस्ट फेलियर्स, वर्क ऑन कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट्स। टिप 5, ट्रेडिंग में फेलियर इनएविटेबल है। कोई भी अपने ट्रेड में 100% नहीं जीतता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर कम पैसा खोता है जब वो गलत होता है और बहुत पैसा बनाता है जब वो राइट होता है। 6. अ गुड ट्रेड और गुड ट्रेडिंग में फर्क जाने। अ गुड ट्रेड और गुड ट्रेडिंग में ढेर सारे मनी का फर्क है। ज्यादातर ट्रेडर्स अच्छा फील करते हैं जब उन्हें एक ट्रेड में ज्यादा प्रॉफिट होता है और इसलिए ऐसे बड़े ट्रेड के पीछे भागते हैं। ज्यादा प्रॉफिट पाने के लिए एक अच्छा ट्रेड पाना गलत नहीं है, लेकिन वो आदमी कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाने की बहुत सी छोटी अपॉर्चुनिटीज खो देगा अगर वो उसी के पीछे भागता है। इसके अलावा ट्रेडर्स बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि एक दिन में कई ट्रेड लेना, अननेसेसरी ट्रेड।
It's 1:02 a.m. लेना वगैरह। टिप 6, कोई भी ट्रेडर सिर्फ ये कंट्रोल कर सकता है कि वो ट्रेड में कितना रिस्क उठाएगा। ये मार्केट डिसाइड करेगा कि उसे ट्रेड में कितना रिवॉर्ड देना है। इसलिए अपने ट्रेडिंग सिस्टम में बताए गए एंट्री और एग्जिट मैकेनिज्म को फॉलो करें। 7, डोंट गेट एडिक्टेड टू योर सैलरी। द फेमस बुक द ब्लैक स्वान के लेखक नसीम निकोलस टैलब ने एक बार कहा था, द 3 मोस्ट हार्मफुल एडिक्शंस आर हीरोइन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अ मंथली सैलरी। ज्यादातर लोगों के दिल में कुछ सपने होते हैं, लेकिन वो अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं करते क्योंकि वो अपनी सैलरी के एडिक्ट होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग कुछ कमिटमेंट्स, हाउस लोन, कार लोन वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं जब भी हम न्यू पोजीशन में जाते हैं। हम इन कमिटमेंट्स की वजह से सरवाइव नहीं कर सकते हैं अगर हमें एक महीने की सैलरी नहीं मिले। ट्रेडिंग में हर महीने मार्केट कंडीशंस के आधार पर प्रॉफिट वेरी करता है। अगर हमारे पास हर महीने कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं तो ये हमेशा माइंड में कुछ प्रेशर लाता है। भले ही आप एक सैलरीड पर्सन हैं, इसलिए इन कमिटमेंट से दूर रहना ही बेहतर है जब आप ट्रेड करना सीख रहे हों। जब आपके पास कोई कमिटमेंट नहीं होता है तो आप सैलरी के एडिक्ट नहीं होते हैं। ज्यादातर समय आपका माइंड फ्री रहता है और बेहतर ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। हर महीने अपनी सैलरी का 20-25% दूसरे सेविंग्स अकाउंट में डालने की कोशिश करें। अगर आप पहले से ही ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हैं तो आप इस अमाउंट को अपने ट्रेडिंग कैपिटल में जोड़ सकते हैं, नहीं तो इस अमाउंट को किसी और सोर्स में डालें जहां से आपको कुछ रिटर्न्स मिलता रहे और विड्रॉ करना भी आसान हो। टिप 7, लोन लेकर डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट ना करें। बहुत से लोग 75% की वैल्यू से ज़्यादा का बैंक लोन लेकर घर खरीदते हैं। जब वो किसी चैलेंजिंग सिचुएशंस जैसे जॉब लॉस, हेल्थ इमरजेंसी में पड़ जाते हैं तो वो ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि वो घर को बेच नहीं पाएंगे और EMI पे नहीं कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम से बचने का आसान तरीका है रिवर्स द कैलकुलेशंस। तब तक आप घर ना खरीदें जब तक आप लागत का कम से कम 50-75% बचत ना कर लें। 8, लाइफ इज प्रीशियस देन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इम्पॉर्टेंट है, लाइफ में पैसा कमाना भी जरूरी है, लेकिन ये लाइफ उन सभी से ज्यादा प्रीशियस है। बहुत सारा पैसा होने का क्या पॉइंट है अगर आप उसे इंजॉय नहीं कर सकते हैं? सक्सेसफुल पर्सन बनने का क्या बेनिफिट है अगर आप हैप्पी नहीं हैं? टिप 8, हर महीने किसी नई जगह घूमने जाएं। आपको एक्सपेंसिव वेकेशन का प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। आसपास की कोई अच्छी जगह जैसे जंगल या बीच भी अच्छा रहेगा। फिट रहने के लिए एक हॉबी डेवलप करें। ये जिम जाना, रोज योगा प्रैक्टिसिंग या कोई गेम खेलना हो सकता है। फाइनल वर्ड्स, मैं आशा करता हूं कि आपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पर कुछ जरूरी नॉलेज गेन की है। मुझे उम्मीद है कि आपके ट्रेडिंग करियर में भी डिसिसिव रोल निभाएगा।